ओके बच्चों, हम डिस्कस करेंगे आपसे फिजिक्स वाला टेस्ट जो 25 दिसंबर को हुआ है। इसके क्वेश्चन डिस्कस करते हैं वन बाय वन। तो इसके फर्स्ट क्वेश्चन, ये सब इसमें टॉपिक क्या आ रहे थे, सर्कुलर मोशन और कुछ पार्ट है रोटेटरी मोशन का, केवल पैरेलेक्सिस थ्योरम तक। तो देखिए क्वेश्चन वन से स्टार्ट करते हैं हम लोग, आप चेक करते जाएं कैसा आपने टेस्ट दिया। क्वेश्चन नंबर वन, देखिए जब दो बॉडीज हैं, इसमें दो स्टोन्स हैं, दो बॉडीज हैं, तो हम लिखेंगे वन एंड टू। बॉडी वन की बात यहाँ लिखेंगे, टू की बात यहाँ लिखते हैं, ठीक है। मास है एम एंड टू एम, जब भी दो बॉडीज की बात हो तो ऐसे लिखना चाहिए। हॉरिजॉन्टल सर्कल में चलाए गए आर बाई टू, आर बाई टू इसकी रेडियस है और दूसरे वाली रेडियस है आर। हाँ देखिए क्या लिखा है, हैवियर वन आर बाई टू, तो हैवी एक्चुअली ये है, ये आर बाई टू होगा, इसकी रेडियस क्या होगी, आर है, ठीक है। उसी ऑर्डर में नहीं है, उसमें लिखा हैवी की स्पीड रेडियस है आर बाई टू, तो आर है मास ज़्यादा, आर बाई टू होगी इसकी आर होगी, ठीक है। अब वी देखिए क्या है, लाइटर बॉडी की जो वेलोसिटी है, हैवी की वेलोसिटी अगर वी होगी तो इसकी क्या है, इसकी है वेलोसिटी एन वी, इसकी वेलोसिटी एन वी है, तो एन की वैल्यू बतानी, एन की वैल्यू क्या होगी, एन बराबर क्वेश्चन मार्क ये, ठीक है। एक्चुअली एक ही डोरीज बांधे गए हैं और दोनों को मतलब सर्किल में घुमाया जा रहा है, सर्कुलर पाथ, तो दोनों के लिए ओमेगा एक्चुअली सेम होगा, ठीक है। ओमेगा दोनों के लिए सेम होगा क्योंकि एक ही डोरीज बांधे गए एक्चुअली दोनों, तो ओमेगा आपकी दोनों का सेम होगा, ठीक। अब बात रही वेलोसिटी की, वेलोसिटी क्या होती है, एन ओमेगा आर, इसकी वेलोसिटी क्या, एन वी, एन वी क्या होगा, रेडियस ओमेगा इंटू रेडियस कितनी है आर, ये एन वी हो गया, क्वेश्चन आपकी वन बन गई, ठीक है। इसकी बॉडी की बात करें तो वेलोसिटी कितनी वी, ओमेगा सेम है, रेडियस कितनी आर बाई टू, ठीक है। एक क्वेश्चन नंबर आपकी टू हो गई, एक क्वेश्चन इस बॉडी की बनाई, दूसरी क्वेश्चन इस बॉडी की बनाई, अब क्या करें, डिवाइड कर दें वन अपान टू, वन अपान टू कर दें, देखिए क्या क्वेश्चन आएगा, ये तो यहाँ एन बचेगा, कहाँ की कैंसिल हो जाएगा, यहाँ टू ऊपर चला जाएगा, देखिए ये अपान वन समझे, तो टू अपान वन हो जाएगा, इसका मतलब टू, एन की वैल्यू क्या हो गई, टू हो गई, ये बात हुई फर्स्ट क्वेश्चन की बच्चों, ओके। क्वेश्चन नंबर टू पे आते हैं हम लोग, तो देखिए इसमें ये समझे, क्वेश्चन कॉमन सेंस है कि एक ही डोरी से बांधा गया पार्टिकल दोनों को, तो ओमेगा दोनों की सेम होगी, ये इसमें लिखा नहीं है, लेकिन आप समझ लें एक सिंगल डोरी से बांध करके। हाँ एक बात लिखी है ओमेगा, एक बात लिखी है सेम सेंट्रीपिटल फोर्स, इससे भी कर सकते हैं ना, तो सेम सेंट्रीपिटल फोर्स एक्चुअली ये ना करके, ये तो एक मेथड हो गया, लेकिन इस क्वेश्चन में जो दे रखा है उसको आप इस प्रकार से करें ज़्यादा अच्छा रहेगा। सेंट्रीपिटल फोर्स सेम है तो बॉडी नंबर वन, ये बॉडी नंबर टू, मास इसका एम है, इसका मास टू एम, ठीक है। अगेन क्वेश्चन में बाद में जो लाइन लिखी थी उसको भी ध्यान में रखना है, ये आर बाई टू, ये रेडियस आर है, ठीक है, और ये इसकी एन वी वेलोसिटी है, इसकी है वी, तो सेंट्रीपिटल फोर्स दोनों को सेम करने हैं, एफ सी इक्वल टू इसका एफ सी, सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होगा एम वी स्क्वायर अपन आर, इसका क्या होगा एम वी, मतलब एन एन वी का होल स्क्वायर, रेडियस माने आर, इक्वल टू इसका सेंट्रीपिटल फोर्स मास वी स्क्वायर, रेडियस क्या है आर बाई टू, ये एक्चुअली तो सॉल्व करते हैं हम लोग, क्या होगा एम से एम कैंसिल हो गया, ये हो गया एन स्क्वायर इंटू वी स्क्वायर अपान आर इक्वल टू, ये पलट के फोर हो जाएगी, देखिए टू इंटू टू हो जाएगा और वी स्क्वायर अपान आर हो जाएगा, आर से आर कैंसिल, वी स्क्वायर कैंसिल, एन स्क्वायर क्या हो गया फोर, एन स्क्वायर बराबर फोर हो गया, तो इस मेथड्स करेंगे एन बराबर टू, क्योंकि ये बात क्लियर नहीं है कि बॉडी को दोनों बॉडीज को एक ही डोरी से बांधा गया है, तो ओमेगा सेम वाली बात सही नहीं है, ये बात क्लियर है, ओके, क्योंकि क्वेश्चन में यही दे रखा है दोनों के सेंट्रीपिटल फोर्स इक्वल हैं, तो एन की वैल्यू टू आएगी, ये मेथड आप फॉलो करें वो नहीं है, ओके। अगला क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर टू, ये सभी सर्कुलर मोशन के ही क्वेश्चन हैं, दो रेसिंग कार हैं, तो लिखिए हम लोग कार नंबर वन, दिस इज कार नंबर टू, जब भी दो बॉडीज की बात हो तो ऐसे लिखा जाता है,
क्वेश्चन एक बार पढ़ें, मास लिखते जाएं m1 एंड m2, ठीक। रेडियस क्या है r1 एंड r2, लिखते गए, पढ़ते जाएं क्वेश्चन, लिखते जाएं। हाँ, दोनों का सर्किल कंप्लीट करते सेम टाइम, टाइम पीरियड जो है, टाइम पीरियड मतलब एक चक्कर लगाने का टाइम, वो दोनों के लिए सेम है। टाइम पीरियड इसका टी है, इसका भी टी है, ठीक है। तो करना क्या है, इसकी एंगुलर फीट अगर ओमेगा वन है, ये अगर ओमेगा टू है, तो हमें क्या बताना है, ओमेगा वन ओमेगा टू बताना है, इसकी वैल्यू क्या होगी। ये हमारा क्वेश्चन हो गया, ठीक है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, v बराबर r ओमेगा। अब देखिए v बराबर r ओमेगा नहीं लगेगा, हम लगाएंगे ओमेगा, निकाला ओमेगा क्या होता है, 2 पाई बाय t, इससे काम होगा, क्योंकि टाइम पीरियड हमको दे रखे हैं, टाइम पीरियड सेम तो ओमेगा भी सेम होगा, तो रेशियो क्या होगा, 1 इज टू 1 हो जाएगा, क्योंकि एग्जाम में टाइम भी कम होता है, जल्दी सोचना पड़ता है। तो तुरंत आप ये रिलेशन हम लोग लगाएंगे, ये वाला रिलेशन, ये याद रखिए फार्मूला, ये मेमोरी रखना आपको, ब्रैकेट का मतलब ये मेमोरी रखने आप लोग। टी क्या है, टाइम पीरियड, टाइम पीरियड मतलब एक चक्कर लगाने का टाइम, ओके। तो ओमेगा सेम होगी, तो ओमेगा वन बराबर ओमेगा टू, क्योंकि टाइम पीरियड देखिए दोनों सेम है, इसलिए रेशियो क्या होगा, वन इज टू वन हो गया। ये बात हुई क्वेश्चन नंबर सेकेंड की बच्चों। क्वेश्चन नंबर थर्ड में आते हैं हम लोग, ठीक है। हाँ, एक बॉडी सेंटीपीटल, उसमें क्यों लग रहा है सेंटीपीटल फोर्स, इतनी दिया है एक्चुअली, ठीक है। कांस्टेंट स्पीड, स्पीड कांस्टेंट है, किस टाइप सर्कल मोशन है, इसका मतलब यह यूसीएम है, कौन सा है, यूसीएम, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन वाला केस है। इसमें कौन सा फोर्स लगता है, केवल एक फोर्स लगता है, एफ सी, सेंटीपीटल बोलो आप चाहे रेडियल बोलो, कोली ये फोर्स लगेगा, दे भी रखा है एम वी स्क्वायर अपान फोर्स होता है, ठीक है। फिर कह रहा है इस फोर्स ने कितना काम किया, आधा चक्कर बॉडी घूम रही है, ये बॉडी मान ली यहां से चल करके यहां पहुंची, ऐसे घूम रही मान लीजिए, ऐसे कह रहे यहां से यहां ए से पॉइंट बी पहुंची, तो वर्क डन किसके, वर्क, वर्क बाई सेंटीपीटल फोर्स द्वारा वर्क कितना किया गया ये बताना है, ठीक है। अब वर्क फोर्स कांस्टेंट है, मैग्नीट्यूड को कांस्टेंट, फार्मूला क्यों लगाएंगे, लगाएंगे हम लोग एफ डॉट डी वाला, या कहें एफ डी कॉस थीटा। डी क्या है, डिस्प्लेसमेंट, और बॉडी सर्किल में चलेगी, डिस्प्लेसमेंट कहां होगा, जहां वेलोसिटी होगी, वेलोसिटी कहां होगी, टेंजेंट वेलोसिटी, ये वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी और ये फोर्स की डायरेक्शन होगी, एंगल दोनों के बीच में कितना है 90 डिग्री, ये थीटा कौन सा एंगल है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल है, यहां पे कितना आ रहा है, यहां डिस्प्लेसमेंट होगा, जहां वेलोसिटी वहीं डिस्प्लेसमेंट, एंगल कितना 90 डिग्री। तो वर्क डन क्या होगा, डब्ल्यू बराबर एफ डी कॉस 90, कॉस 90 माने जीरो, फोर्स क्या हो गया, वर्क डन क्या हो गया, जीरो। तो बॉडी चाहे जितना चक्कर चले, कुछ भी चले, थोड़ा भी चलेगी, सर्कुलर मोशन में चलेगी, तो सेंटीपीटल द्वारा वर्क डन जो होगा वो जीरो होगा, इसमें टेंजेंशियल फोर्स नहीं है, क्योंकि यूसीएम वाला केस है बच्चों, ठीक। तो ध्यान रखनी है कि मोशन कैसा है, सेंटीपीटल वाला फोर्स क्यों लग रहा है, टेंजेंशियल नहीं लग रहा है, इसलिए वर्क डन जीरो है, अगर टेंजेंशियल होता तो वर्क जीरो नहीं होता। अब क्वेश्चन नंबर फोर पे आते हैं, अगला क्वेश्चन बच्चों, हाँ, अब इसमें दे रखा है वेलोसिटी वी है, वेलोसिटी वी है, पूछे एक्सेलेरेशन कितना होगा, ऑप्शन में देखिए देख रहे हैं कुछ दिया नहीं है, तो हम लोग क्या मानेंगे, स्पीड कांस्टेंट, स्पीड क्या मानेंगे हम लोग, कांस्टेंट का मतलब क्या हुआ, ये यूसीएम वाला केस है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, उसमें एक्सेलेरेशन क्या होता है, केवल सेंटीपीटल होता है, तो सेंटीपीटल एक्सेलेरेशन, इसी को रेडियल भी बोलते हैं, बराबर वैल्यू क्या होगी, वी स्क्वायर पन आर होगी,
ठीक है ना। तो मैग्नीट्यूड तो कांस्टेंट होगा हर जगह, लेकिन डायरेक्शन चेंज होती जाएगी। डायरेक्शन कहाँ होगी? सेंटर की ओर। ये एसी की डायरेक्शन होगी, एफसी की डायरेक्शन भी यही होगी। ओके, हमेशा सेंटर की ओर। बॉडी अगर यहाँ पे है तो यहाँ लगेगा, यहाँ बॉडी है तो सेंटर की ओर आपका इधर लगेगा, इधर एसी होगा। मैग्नीट्यूड कांस्टेंट होता है, तो मैग्नीट्यूड याद रखिए, मैग्नीट्यूड होगा कांस्टेंट। ये वी स्क्वायर बाई आर, ये कांस्टेंट हो गए, लेकिन डायरेक्शन लगातार चेंज हो रही है। डायरेक्शन चेंजेस, ये बात थी क्वेश्चन नंबर फोर की। अगला क्वेश्चन, दैट इज बच्चों क्वेश्चन नंबर फाइव। अब देखते जाएं कितना है, छोटे छोटे क्वेश्चन थे, फिर भी आप लोग मिस्टेक करते हैं। क्वेश्चन फाइव में आते हैं हम लोग। हाँ, एक डोरी है, उसकी लंबाई एल है, इससे पार्टिकल मास एम मास वाला पार्टिकल को बांधा गया, ठीक है। और हॉरिजॉन्टल सर्किल कैसा मोशन है? हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन है, क्यों? हॉरिजॉन्टल प्लेन में बॉडी चल रही है ना, तो सर्कुलर मोशन इन हॉरिजॉन्टल प्लेन। हॉरिजॉन्टल प्लेन में सर्कुलर मोशन हो रहा है, हॉरिजॉन्टल सर्किल वाला केस है। आप कह रहे हैं नेट फोर्स बताइए, नेट फोर्स सेंटर की ओर, तो पक्की बात सेंटर की ओर सेंटीपीटर लगता है, तो सेंटीपीटर फोर्स पूछा है। तो देखिए इसका एफबीडी बनाए हम लोग, इसका एफबीडी बनाए, इस ये एफबीडी ऑफ स्मॉल एम यहां बनाए, तो एक्चुअली क्या होगा, यहां पे सेंटर की ओर टेंजेंट मतलब टेंशन लगेगा, और नीचे की ओर एमजी होगा। एक्चुअली बॉडी ऐसे घूम रही है ऐसे, तो रिएक्शन लगेगा और एमजी ऊपर नीचे लगेंगे, लेकिन सेंटर की ओर केवल टेंशन होगा, ठीक है। तो ये होगा टेंशन, सेंटर की ओर केवल फोर्स क्या लगेगा, टेंशन। अगर देखा जाए टेंशन की वैल्यू क्या होगी, एम वी स्क्वायर आर के बराबर होगी, क्योंकि केवल सेंटीपीटल फोर्स काम करेगा। उसमें लिखा है सेंटर की ओर कितना फोर्स लगेगा, तो टेंशन होगा आपका, टेंशन की वैल्यू एम वी स्क्वायर आर के बराबर होगी। तो इसके दो आंसर हो सकते हैं, टेंशन इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर, दोनों सही है। या हम लोग ऑप्शन में टेंशन लिखे टी लिखा जाए, या तो एम वी स्क्वायर बाई आर लिखा जाए, क्योंकि टी की वैल्यू एम वी स्क्वायर आर के बराबर होगी। क्वेश्चन नंबर सिक्स, अगला क्वेश्चन बच्चों क्वेश्चन सिक्स। हाँ, डोरी की लंबाई मतलब रेडियस, रेडियस कितनी दे रखी है, एक मीटर, रेडियस हमने लिख लिया वन मीटर, ठीक है। हॉरिजॉन्टल सर्किल बॉडी घुमाया गया, स्पीड कांस्टेंट का मतलब यूसीएम वाला केस है। क्वेश्चन पढ़ते जाएं लिखते जाएं। अब लिखा है 22 चक्कर, 22 रिवोल्यूशन लगाता है, कितनी देर में, लिखा है इन 44 सेकेंड, 44 सेकेंड में 22 चक्कर लगाता है। ओके, एक्सेलेरेशन कौन सा होगा, केवल सेंटीपीटल, क्यों, क्योंकि यूसीएम वाला केस है। तो एसी हमें निकाला, एसी की वैल्यू क्या होगी और डायरेक्शन क्या होगी, पक्की बात है डायरेक्शन सेंटर की ओर होगी। वैल्यू वाली बात रही, तो देखिए एसी की वैल्यू दो निकाल सकते हैं, चाहे एम वी स्क्वायर बाई आर से निकालें, और वी बराबर होता आर ओमेगा, ठीक है। तो एक्चुअली वी इसमें दिया नहीं है, ओमेगा हम लोग निकाल सकते हैं, तो हम लोग कैसे निकालेंगे, नहीं ये सॉरी दिस नॉट एम, ओनली वी स्क्वायर बाई आर होगा, फोर्स की बात नहीं हो रही, एक्सीलरेशन बात हो रही, ठीक है। वी बराबर आर ओमेगा, तो होगा आर ओमेगा होल स्क्वायर, देखो भाई क्वेश्चन चल रहे थे हम लोग, क्या दिया है, रेडियस बराबर वन मीटर, ठीक है, और 22 रिवोल्यूशन लगाता है, बॉडी लगाती है 44 सेकेंड में, तो हमें निकालना है यूसीएम वाला केस है, यूसीएम,
यूसीएम में क्या लगेगा, केवल एसी लगेगा, एसी बोलो चाहे रेडियल बोलो एक ही बात है, ये निकालना है। ये क्या होता है वी स्क्वायर बाई आर, हमें वी नहीं मालूम लेकिन ओमेगा निकाल सकते हैं क्योंकि दे रखा है वो 22 चक्कर लगाता है 44 सेकंड में, ओमेगा निकालते हैं भी तो हम लोग लगाएंगे वी बराबर आर ओमेगा होता है, तो आर ओमेगा का होल स्क्वायर अपान आर, ये हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर अप इंटू आर। ओके, ओमेगा कैसे निकालें, फ्रीक्वेंसी पहले ओमेगा के निकालने के तरीका क्या है, 2πn, ये फार्मूला आप याद रखिए। ओके, इसी को हम लोग लिख देते हैं 2π, पहले ये एक फार्मूला याद रखें, एक याद रखें n बराबर 1/T होता है टाइम पीरियड, ये फार्मूला दूसरा वाला याद रखिए। n क्या, फ्रीक्वेंसी, n को बोलते हैं फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी के मतलब क्या होता है, एक सेकेंड जितने चक्कर लगाए, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन इन 1 सेकेंड, इसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। ओके, हम फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं तो उससे ओमेगा निकाल लेंगे हम लोग, ओमेगा उठाकर वैल्यू यहाँ रख देंगे। ठीक, देखिए उसमें क्या दे रखा है, 22 रिवॉल्यूशन, बिकॉज 22 रिवॉल्यूशन लगाता है 44 सेकेंड में, इसलिए देयर फोर एक रिवॉल्यूशन कितनी देर में लगाएगा, या उल्टा कर दें, उल्टा लिख दिया बात, ऐसा नहीं लिखें, टाइम एक सेकंड निकालना है तो हम लिखेंगे 44 सेकंड में लगाता 22 रिवॉल्यूशन, तो एक सेकंड कितना लगाएगा, ये होगा 22/44 रिवॉल्यूशन, तो ये 1/2 रिवॉल्यूशन हो जाएगा पर सेकंड, एक्चुअली देखा जाए एक सेकंड में इतने चक्कर लगा रही बॉडी, और यही हो जाएगी फ्रीक्वेंसी, एन हो जाएगी, ये फ्रीक्वेंसी आपकी हो जाएगी। ठीक है, फ्रीक्वेंसी 1/2 आ गई, अब ओमेगा निकाल लें 2πn से, ओमेगा क्या होगा 2πn, मतलब 2π × 1/2, 2 कैंसिल हो गया, ये बचा पाई, तो एसी क्या होगा ओमेगा स्क्वायर आर इक्वल टू क्या होगा पाई का होल स्क्वायर, आर कितना है 1, ये वैल्यू होगी पाई स्क्वायर। ठीक है, और डायरेक्शन क्या होगी, सेंटर की ओर, या रेडियस, अलोंग रेडियस, हाँ अलोंग रेडियस, रेडियस डायरेक्शन में या सेंटर की ओर एक ही बात है, यहाँ पे मान लो होगा तो इसको बोलते हैं सेंटर की ओर, इसको बोलेंगे अलोंग टूअर्ड सेंटर, या अलोंग रेडियस टूअर्ड सेंटर। ठीक है, अलोंग रेडियस टूअर्ड सेंटर, वैल्यू मैंने निकाल दी टूअर्ड सेंटर, सेंटर की ओर और अलोंग रेडियस, तो आपका आंसर ये होगा शायद से। अगला क्वेश्चन, सेवन, क्वेश्चन नंबर 7, पढ़े क्वेश्चन, उसमें लिखा है 7 वाले में लिखा है, देखिए मास बॉडी का m है, ठीक है, सर्कुलर पाथ में चल रहा है, ओमेगा कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म माने कांस्टेंट, यूनिफॉर्म का मतलब होता है कांस्टेंट, कभी भी यूनिफॉर्म आए मतलब वो चीज़ कांस्टेंट है, ये बात ध्यान रखें, अधिकतर जगह यूनिफॉर्म आता है वर्ड। ओके, मतलब ओमेगा कांस्टेंट है, ओमेगा हमारी कांस्टेंट है, इसका मतलब क्या हुआ बताना, कैसा मोशन होगा, तो देखिए ओमेगा कांस्टेंट है तो वी बराबर क्या होता है आर ओमेगा, वी क्या चीज है स्पीड, तो क्या है आर कांस्टेंट है, आर हमारे रेडियस कांस्टेंट चेंज नहीं हो रही, ओमेगा भी कांस्टेंट है, इसलिए क्या होगा, इसलिए स्पीड भी कांस्टेंट होगी, ये कांस्टेंट स्पीड होगी, वेलोसिटी नहीं होगी, ध्यान रखें स्पीड होगी कांस्टेंट, क्यों वी बराबर आर ओमेगा में एक्चुअली ये वी क्या होती है स्पीड होती है, एक्चुअली मैग्नीट्यूड होता है मतलब वेलोसिटी का। ठीक है, तो ऑप्शन दे रखे हैं तो वेलोसिटी स्पीड क्या होगी, स्पीड कांस्टेंट होगी, इसलिए काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट होगी,
क्यों काइनेटिक एनर्जी में क्या होता है हाफ एम वी स्क्वायर, जो वी होता है ये वेलोसिटी नहीं होता, ये स्पीड होती है एक्चुअली इसमें। देयरफोर के ई कांस्टेंट है, के ई इज कांस्टेंट, ये ध्यान रखें, हाफ एम वी स्क्वायर ये वी स्क्वायर, ठीक है यू वी स्क्वायर, ओके। तो ये स्पीड होती है तो स्पीड कांस्टेंट तो काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट, ठीक। अब क्वेश्चन नंबर 8 में आते हैं। एट अच्छा क्वेश्चन है। एक डोरी लंबी सी डोरी है, उसमें तीन पार्टिकल को बांध रखा है, ठीक है। हम ये डायग्राम बना देते हैं, फिगर आपके सामने। दिस ओ ये हो सेंटर हमारा, ये सेंटर है सर्कुलर मोशन का सेंटर है, ओके। तीन बॉडी बांध दी है, एक बॉडी ए है, दूसरी वाली बॉडी बी है और एक बॉडी आपकी है सी। आइडेंटिकल माने क्या, मास सेम। आइडेंटिकल मतलब होता है सेम मास, आइडेंटिकल पार्टिकल, आइडेंटिकल मतलब क्या होता है सेम मास, मास सबका सेम है। ठीक है, सब किनारे वाले की इस वेलोसिटी एक्चुअली इसकी स्पीड दे रखी है, सर्कल घूम रहा है, इसकी वेलोसिटी वी नॉट दे रखी है इन्होंने। तो तीनों डोरियम टेंशन बताना है, ठीक है। देखिए कॉमन सेंस है, टेंशन किनारे से अंदर की ओर बढ़ता जाएगा, क्यों, क्योंकि ये डोरी जो होगी ये सब को चला रही है एक्चुअली। तो यह कॉमन सेंस समझ ले, टेंशन हमेशा बाहर से अंदर की ओर बढ़ेगा। टेंशन मान लीजिए इसमें हमारी टेंशन T1 है, दूसरी डोरी में T2 है, मान लीजिए टेंशन मान ली T3 है। हमें एक्चुअली चाहिए रेशियो, हमें रेशियो चाहिए। अब छोटा बड़ा पक्की बात है, सबसे छोटी वैल्यू ये होगी आपकी ऑप्शन में, स्टार्टिंग लोअर से इंक्रीजिंग ऑर्डर दे रखा है। तो एक्चुअली क्या चाहते हैं ये लोग, ये चाहते हैं T3:T2:T1। एक्चुअली T1 सबसे बड़ा होगा, T1 ग्रेटर देन होगा T2 और ग्रेटर देन होगा T3। बाहर से हम लोग चलेंगे टेंशन अंदर की ओर बढ़ता जाएगा। तो ये आप समझ लें, ये भी कभी क्वेश्चन पूछ सकते हैं ये लोग, ठीक है। अब निकालें टेंशन कैसे निकले, टेंशन माने फ्री बॉडी डायग्राम बनाना पड़ेगा हमको, ठीक है। सभी बॉडी को ओमेगा सेम होगा, क्यों, क्योंकि देखिए सभी एक साथ यहाँ पे आएंगे, मारे यहाँ आते हैं थोड़ी देर बाद, तो देख रहे हैं ओमेगा सबका सेम होगा, ऐसे समझे आप, सभी का ओमेगा सेम होगा ऐसे, समझ रहे हैं। एंगल सब सेम एंगल चलेंगी समान टाइम में, एक ही डोरी जुड़ी सब बॉडीज, ओमेगा सेम, ओमेगा इज सेम फॉर ऑल, ओमेगा सबका सेम होगा। लेकिन स्पीड अलग अलग होगी क्योंकि वी बराबर आर ओमेगा होता है, ओमेगा सेम, रेडियस सबकी अलग अलग है। इसके पहले इसकी रेडियस कितनी होगी, आर होगी, एल, रेडियस कितनी होगी एल, ये लंबाई आपकी एल है, ओके। तो हम लिखते जाए जरा 1 2 3, 1 की बात देखें, 2 की बात लिखें एंड 3, मतलब 3 माने T1 की व्यवस्था कर रहे हैं। पार्टिकल 1 इसको ए वाले को, ये ए की पार्टिकल की बात, ए की बात है, ये बी की बात है और दिस इज सी पार्टिकल की बात है, ओके। टेंशन कैसे निकलेगा, इसके आई बी डी बनाए पहले, पहले हम लोग कहाँ शुरू करेंगे, सबसे किनारे शुरू करना पड़ेगा यहाँ पे, क्योंकि इस बॉडी में केवल एक टेंशन काम करेगा। सबसे पहले हम लोग आई बी डी बनाएंगे पार्टिकल सी का, ठीक है। पहले सी पार्टिकल बात करेंगे हम लोग, सी के लिए देखें हम यहाँ मेटल लिख देते हैं, ओमेगा सबका सेम है, सबका ओमेगा सेम है, रेडियस समझे, पहले की रेडियस क्या होगी एल होगी, इसकी रेडियस क्या होगी 2L होगी, इसकी कितनी होगी 3L होगी, ठीक है। तो हम लोग पहले स्टार्ट करेंगे बाहर से किनारे से, यहाँ पहले एफ बी डी बनाएंगे सी पार्टिकल का, तो यहाँ लिख देते हैं सी पार्टिकल की बात, सी पार्टिकल बात हम यहाँ लिख देते हैं, इसका एफ बी डी बनाएंगे सी का, फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ सी। सी में क्या होगा, सेंटर की ओर एक टेंशन काम करेगा जिसका नाम दिया T3, हॉरिजॉन्टल में यही सेंटर की यही फोर्स काम करे T3,
और रियल डायग्राम में क्या होगा, एम आर ओमेगा स्क्वायर, मास सेम है, रेडियस कितनी है 3L, ओमेगा सबका सेम है, तो टेंशन T3 आ जाएगा, क्या आएगा m इंटू 3L इंटू ओमेगा स्क्वायर, तो टेंशन हो गया T3 की वैल्यू आ जाएगी 3 m L ओमेगा स्क्वायर। इक्वेशन हमने एक नाम दे दिया 1 इक्वेशन, T3 की वैल्यू हमें मिल गई। उसके बाद क्या करेंगे, पार्टिकल बी, बी का बी डी बनाते हैं, बी वाले पार्टिकल का, बी पार्टिकल एक्सेलेरेशन कैसा डायग्राम बनेगा, देखिए डायग्राम बी का बनाते हैं, बी डी फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ बी, बी पे देखिए क्या होगा, अंदर की ओर टेंशन होगा T2, बी से दो डोरियां बनी हैं, और बाहर की ओर टेंशन क्या होगा T3 होगा, और सेंटर की ओर एक्सेलेरेशन काम करेगा एम आर और ओमेगा स्क्वायर, रेडियस कितनी है 2L, 2L इंटू ओमेगा स्क्वायर ये होगा। इक्वेशन क्या बनेगी, T2 माइनस T3 इक्वल टू ये हो जाएगा 2 m l ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। T3 की वैल्यू हमें पहले मालूम है, रख देंगे हम लोग वैल्यू T2 माइनस 3 m l ओमेगा स्क्वायर बराबर होगा 2 m l ओमेगा स्क्वायर, तो 5 हो जाएगा, T2 बराबर हो जाएगा 5 m l ओमेगा स्क्वायर। इक्वेशन 2 में समझा आप इसको, ये मिल गया T2। अब एबीडी का बनाएंगे, अंदर की ओर चल रहे हैं, बॉडी एक ही, तो बी के एबीडी से T2 मिल गया। अब एबीडी बनाएंगे हम लोग ए का, फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ पार्टिकल ए, क्या बनेगा, इसमें दो डोरियां बंधी हैं, अंदर की ओर T1 काम करेगा, इधर काम करेगा T2, एक्सेलेरेशन सेंटर की ओर होगा, m l ओमेगा स्क्वायर, रेडियस L है, तो क्वेश्चन क्या बनेगी, T1 माइनस T2 बराबर m l ओमेगा स्क्वायर। T2 की वैल्यू हमें हमने अभी निकाली, तो T1 मिल जाएगा सॉल्व करने पर, 5 + 1 = 6 m l ओमेगा स्क्वायर। तीनों चीज वैल्यू मिल गई हमें, यहाँ लिख लें T1 कितना आया 6 m l स्क्वायर, m l ओमेगा स्क्वायर, T2 कितना आया 5, T1 कितना आया 3, मतलब T3 आया 3 m l ओमेगा स्क्वायर। इंक्रीजिंग ऑर्डर रखेंगे हम लोग, तो 3 5 6 हो जाएगा, क्योंकि आंसर में इंक्रीजिंग ऑर्डर दे रखा है, तो करोगे 3:5:6 ये रेशियो मिल जाएगा, सभी आंसर इंक्रीजिंग ऑर्डर हम दे रखे हैं, तो हम लोग 3 5 6 फोर्थ ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। अब देख, कार कोई सर्कुलर पाथ में चल रही है, तो पूछा है जब ओवरटर्निंग मल होती है तो कौन सा पहिया, कौन सा व्हील जमीन को पहले छोड़ता है ना, तो एक्चुअली अंदर जो अंदर वाले पहिए से मालूम ये है, अंदर वाले जो पहिए में रिएक्शन होती है वो वैल्यू कम होती है, बाहर वाले में ज़्यादा होती है, तो अंदर वाले की रिएक्शन 0 हो जाती पहले, तो अंदर वाला पहिया जमीन को पहले छोड़ेगा, क्योंकि ये R1 मान लीजिए, ये अंदर वाला पहिया, ये सेंटर है, और ये बाहर वाला पहिया वो कि R2, इसमें रिएक्शन है, तो R1 हमेशा R2 से छोटा होता है, तो R1 पहले 0 बन जाता है, अब रिएक्शन 0 होगी तो पहिया जमीन को छोड़ देगा, है ना, कॉन्टेक्ट पहले छोड़ेगा फर्स्ट अंदर वाले व्हील, ओके। अब क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 अगला क्वेश्चन बच्चों, हाँ पर दो बॉडीज की बात आई तो हम लिखते जाएंगे, बॉडी नंबर 1 दिस इज फॉर बॉडी नंबर 2, मास कितना 10 kg 5 kg 10 kg एंड 5 kg। कंसेंट्रिक मतलब क्या होता है, सेंटर एक, कंसेंट्रिक का मतलब होता है एक सेंटर है दोनों का, मतलब होता है सेम सेंटर, सेंटर सेम है बस रेडियस अलग अलग है,
एडीएस क्या है, कैपिटल आर और स्मॉल आर। टाइम पीरियड सेम है, दोनों का टाइम पीरियड सेम है। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन F1 या F2 है, ठीक। अब देख काम तेज करना है, सेंट्रीपिटल फोर्स जानते हो MR ओमेगा स्क्वायर होता है या MV²R होगा, तो हम लोग फोर्स इससे निकालेंगे आराम से, इससे निकलेगा MR ओमेगा स्क्वायर से। क्यों? क्योंकि टाइम पीरियड सेम है तो ओमेगा भी सेम होंगी दोनों का। अभी बता चुके हैं आपको ओमेगा बराबर 2π/T होता है, तो टी सेम तो ओमेगा सेम, यही लगाएं हम लोग MR ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। तो इसका फोर्स क्या होगा, इसका F1 हम लिख दें F1/F2। M कितना है 10, R कितनी है R, ओमेगा स्क्वायर ओमेगा सेम है, डिवाइडेड बाई दूसरे का मास कितना है 5, R स्मॉल R है, ओमेगा सेम है, कैंसिल कैंसिल, 5 से 2 हो गया, तो आपका हो गया 2R/R। है ना, सॉरी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है, मैंने फोर्स निकाल दिया, सॉरी बच्चों, है ना, मास नहीं रख रहे हमको, मास हम हटा देंगे, सी ध्यान नहीं दिया मैंने क्वेश्चन पढ़ने में, थोड़ा जल्दबाजी क्वेश्चन पढ़ गया, फोर्स नहीं निकाला हमें, एक्सेलरेशन निकालना है, ओके। तो AC चाहिए हमको, AC चाहिए, क्योंकि तो मास हट जाएगा, तो आंसर आपका ये होगा, ओके R/R। क्वेश्चन थोड़ा जल्दी पढ़ गए, ओके ये बात हो गई। क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं, मोटरसाइकिल वाला चल रहा है, पर्सन सर्कुलर मोशन घूम रहा है, स्पीड दे रखी है किलोमीटर पर आवर को बदलने पहले 72 किलोमीटर आवर मीटर पर सेकंड बदलने हम लोग, तो याद रखिए 1 km/h इक्वल टू कितना होगा 5/18 मीटर पर सेकंड, ये होता है, ये मैटर आपको माइंड में होना चाहिए, ओके। टाइम वहाँ पर कम होता है, बार बार काम पड़ता है, तो इसको बदल लें हम लोग 72 × 5/18। देखिए 18 का पहाड़ा टेबल याद होनी चाहिए, 20 तक जितनी नंबर्स हैं 1 से लेकर 20 तक टेबल याद कर लीजिए आप लोग सबके, केमिस्ट्री फिजिक्स दोनों कैलकुलेशन आसान हो जाएंगी। तो देखिए टेबल हमको याद है, फटाफट कर देंगे 20 मीटर पर सेकेंड, ये इस वेलोसिटी हो गई, स्पीड जो भी समझा, ओके। रेडियस जो टर्न ले रहा है, रेडियस कितनी है पाथ की, रेडियस है 20 मीटर, ठीक। जी की वैल्यू 10 है, तो वर्टिकल से एंगल बताना है कितना मैक्सिमम एंगल झुक सकता है ना, मैक्सिमम एंगल कितना झुक सकता है, 10 थीटा। टेन थीटा याद रख, फार्मूला होता है 10 थीटा होता है V²/RG, ये फार्मूला याद रखना पड़ेगा आपको। थीटा क्या है, वर्टिकल एंगल फ्रॉम वर्टिकल, दिस इज एंगल फ्रॉम वर्टिकल, इसे निकाल लें। V माना 20 × 20, रेडियस भी 20 है, जी है 10, 20 कैंसिल 0 कैंसिल, ये हो गया 2, थीटा कितना आया 10 इनवर्स 2, इतना मैक्सिमम एंगल झुके ऊपर से वर्टिकल से, इसे ज्यादा रिस्क है, ओके। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए बच्चों, क्वेश्चन बहुत स्पीड से करने चाहिए, क्वेश्चन अपनी भाषा में पढ़ें, चाहे हिंदी हो चाहे इंग्लिश, अगर इंग्लिश बहुत अच्छी आती तो इंग्लिश पढ़ें, अदरवाइज हिंदी पढ़ें, लैंग्वेज हिंदी से क्लियर हो जाएगी, कुछ वर्ड नहीं आते तो इंग्लिश से आप देख सकते हो। अब क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं, इसमें दे रखा है 120 चक्कर घूम रहा है, किसमें, 1 मिनट में, तो ओमेगा बताइए ओमेगा कितना होगा। तो ऐसा क्वेश्चन मैं बता चुका हूं पहले, पहले हम लोग निकालेंगे फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी माने
एक सेकंड कितने चक्कर लगाती है, ठीक। फ्रीक्वेंसी निकालेंगे तो मेगा बराबर 2πn कर देंगे हम लोग, मेगा होगा 2πn के बराबर। तो कैसे करेंगे, बिकॉज एक मिनट माने 60 सेकंड, 60 सेकंड में कितने चक्कर लगाती है, 120 रिवॉल्यूशन। इसलिए देयरफॉर एक सेकंड कितने चक्कर लगाएगी, 1 × ये 120 / 60, 0.02 हो गया, 2 रिवॉल्यूशन/सेकंड, यही कहलाएगी फ्रीक्वेंसी। ओमेगा 2πn हो जाएगा, 2πn, 2π × 2 दोबारा 4π हो गया आपका, 4π। यूनिट क्या होगी, रेडियन पर सेकंड, यूनिट का भी ध्यान रखें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर इसका 13 आते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 13, स्पीड कांस्टेंट है, स्पीड कांस्टेंट माने यूसीएम, ये होगा यूसीएम। एक्सेलेरेशन कौन सा होगा, सेंटीपीटल, ओनली सेंटीपीटल, सेंटीपीटल कहो चाहे रेडियल कहो, सेंटीपीटल और रेडियल एआर काम करेगा। इसकी डायरेक्शन क्या होती है, सेंटर की ओर, सेंटर अंदर की ओर, सेंटर और अंदर की ओर, रेडियल मतलब रेडियल कह दो, रेडियली अंदर, इन रेडियल इंटरनल रेडियल, यहाँ होगा रेडियस के लॉन्ग अंदर की ओर होगा, तो हम बोलेंगे इंटरनल रेडियल एक्सेलेरेशन। सेंटीपीटल नाम रेडियल भी है और अंदर की ओर, रेडियस के लॉन्ग अंदर की ओर होगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, हाँ वही वाली बात है कि कार सर्कल में घूम रही है और दो पहिया ये माली है, तो अंदर वाला पहिया कहाँ होगा, ये इनर, ये सेंटर इधर की ओर, यहाँ पे सेंटर, तो अंदर वाला पहिया रिएक्शन R1 है और बाहर वाले पहिया रिएक्शन है R2। फार्मूले से एक्चुअली पता रहता है, फार्मूला में पता है जाता है, पक्की बात है, R1 कम होती है हमेशा, R1 ऑलवेज लेस देन R2 होती है। अभी मैंने क्वेश्चन में बताया भी था, इसीलिए अंदर वाला पहिया जल्दी जमीन को छोड़ता है, ठीक है बच्चों। क्वेश्चन 15 पे आते हैं, क्वेश्चन 15 आइए, मास कितना है, कार का मास है 800 kg, रेडियस, सर्किल की रेडियस कितनी है, 40 मीटर। म्यू की फ्रिक्शन दे रखा है, कोफिशिएंट 0.5। तो अगर फ्रिक्शन की वजह से सेंट्रीपिटल की ओर अलाउड है, मतलब बेंडिंग नहीं है, बैंकिंग नहीं रोड में, कि और फ्रिक्शन की वजह से निकालना है वेलोसिटी कितनी होगी, तो वेलोसिटी होती है √gr, वेलोसिटी होगी √gr, √gr कब, जब केवल ओनली ड्यू टू फ्रिक्शन है ना, व्हेन ओनली फ्रिक्शन इज प्रेजेंट, केवल फ्रिक्शन वाला फोर्स है वो सेंट्रीपिटल प्रोवाइड कर रहा है, व्हेन ओनली फ्रिक्शनल फोर्स इज प्रेजेंट, केवल फ्रिक्शनल फोर्स है, नो बैंकिंग, बैंकिंग नहीं है, बेंडिंग रोड में कोई बैंकिंग नहीं है, नो बैंकिंग इन रोड, रोड प्लेन एक्चुअली, रोड क्या है, प्लेन, नो बैंकिंग इज प्रेजेंट। तो वेलोसिटी ये होगी, अब वेलोसिटी हम निकाले, वैल्यू रख दें, वेलोसिटी देखिए निकाल आएगी √, अब देखिए जी की वैल्यू दे नहीं रखी है, बाद में रख देंगे, मान लीजिए 10 ही रख देते हैं, आसपास आंसर आ जाएगा 9.8 √gr, म्यू माना 0.5, रेडियस कितनी 40, जी की वैल्यू मान ले 9.8 रख दे, उसी से काम बन जाएगा 9.8, पूरी पूरी वैल्यू मिल रही है, चलिए कैसे, अब देखिए √ हाफ किया तो 20 हो गया, 20 × हो गया 9.8, तो पॉइंट गायब हो गया, जीरो गायब हो गया, ये √ हो गया 196, इसकी वैल्यू क्या होती 14 मीटर पर सेकेंड,
अगर मान लीजिए आप हम लोग 10 भी रखते हैं तो 14 के आसपास ही वैल्यू आएगी, 14 के आसपास कोई वैल्यू और है नहीं, इतने नियर कोई नहीं है, 12 है, थोड़ा दूर पे है। हमने जी क्यों रखा, हमने देख लिया पूरी पूरी वैल्यू मैच कर रही है, इस जी 9.8 रख दिया, और ना होता मैच करता तो 10 भी से काम चल जाता, वैल्यू यही आती। क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं। हाँ, कह रहे रेडियल, ए आर है रेडियल एक्सेलेरेशन, ए टी टेंजेंशियल, और मोशन कैसा है यूसीएम। देखिए सर्कुलर मोशन में ये तो पक्का हमेशा होगा, ऑलवेज ये तो हमेशा होगा ही, चाहे जैसा सर्कुलर मोशन हो ऑलवेज प्रेजेंट होगा। और एटी क्या करता है, एटी स्पीड को चेंज करता है, एटी चेंज स्पीड, एटी ध्यान टेंजेंशियल एक्सेलरेशन चेंजेस स्पीड, ये स्पीड को चेंज करता है। और इसमें स्पीड कांस्टेंट है, यूसीएम माने स्पीड कांस्टेंट, स्पीड कांस्टेंट है, इसका मतलब एटी प्रेजेंट नहीं है, स्पीड इज कांस्टेंट हियर, इसलिए क्या होगा एटी हो जाएगा जीरो, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन नहीं होगा, केवल एआर होगा या सेंटीपीटल होगा, ठीक है, क्योंकि इसमें स्पीड चेंज नहीं हो रही है, यूसीएम में स्पीड चेंज नहीं होती है। तो ए आर नॉट इक्वल टू जीरो, हम कहेंगे ए आर नॉट इक्वल टू जीरो एंड ए टी इक्वल टू जीरो, ये होगा। क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं बच्चों, अगला क्वेश्चन आते हैं 17 क्वेश्चन। कोई बॉडी सर्कुलर मोशन में चल रही है और सेंटर के जो फोर्स लग रहा है ना, फोर्स की वैल्यू दे रखी है माइनस के अपन आर, आर क्या रेडियस, के कांस्टेंट। हम बताना टाइम पीरियड की वैल्यू आर पर कैसे डिपेंड करेगी, ठीक है, हमें टाइम पीरियड निकालना है, टाइम पीरियड, टाइम पीरियड की वैल्यू क्या होगी आर के साथ कैसे चेंज होगी। तो अब देखिए फोर्स का फार्मूला वाला लगाएंगे, कौन सा है एम आर ओमेगा स्क्वायर, और माइनस कोई मतलब में आने से हटा दी, मैग्नीट्यूड लेंगे तो लेंगे एम आर ओमेगा स्क्वायर, क्योंकि ओमेगा से टी निकल आएगा, ये होगा के बाई आर, ठीक है, ये हम कह सकते हैं ओमेगा स्क्वायर, ये यहाँ चला जाएगा के बाई एम आर स्क्वायर हो जाएगा, ये हम कह सकते हैं ओमेगा प्रोपोर्शनल टू वन अपान आर हो जाएगा, इसका ओमेगा क्या है 2π/T, 2π/T प्रोपोर्शनल टू 1/r हो जाएगा, ठीक है। तो क्या होगा t प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, देख नीचे है तो इसे पता चल गया t इज प्रोपोर्शनल टू r, बस ये आंसर हो गया आपका, t इज प्रोपोर्शनल टू r, ये t टेंशन नहीं है, ये t है टाइम पीरियड। क्वेश्चन नंबर 18 बच्चों आते हैं, अगले क्वेश्चन 18 क्वेश्चन में इतने स्पीड्स क्वेश्चन होने चाहिए, क्योंकि टाइम बहुत कम होता है एग्जाम में, समझे, क्वेश्चन हाई फाई नहीं है, क्वेश्चन सिंपल है लेकिन टाइम की वैल्यू कम होती है एक्चुअली, ओके। आप कह रहे हैं एक बोरी में मैक्सिमम टेंशन कितना हो सकता है 10 न्यूटन, मैक्सिमम टेंशन 10 ले लेगी डोरी, अगर टेंशन 10 न्यूटन ज़्यादा होगा तो डोरी टूट जाएगी, लिखा है इसमें। किसी स्टोन को डोरी बांधा गया, मास कितना है, मास है 250 ग्राम, डोरी की लंबाई मतलब रेडियस, रेडियस कितनी है 10 cm, इसको मीटर बदलेंगे 0.1 मीटर हो जाएगी, तुरंत हमने एमकेएस में बदल दिया, क्योंकि न्यूटन फोर्स किस में, एमकेएस में दे रखा है, हॉरिजॉन्टल सर्कल में चलाया गया। कह रहे हैं ओमेगा मैक्सिमम बताओ कितना होगा, ओमेगा मैक्सिमम कितना होगा, तो बस टेंशन टी मैक्सिमम कितना है, टी टेंशन मैक्सिमम दे रखा है 10 न्यूटन, टेंशन कैसे निकालेंगे एम आर ओमेगा स्क्वायर वाले तरीके से, तो ये क्या होगा एम टू आर ओमेगा मैक्सिमम,
ओमेगा मैक्सिमम का होल स्क्वायर बराबर 10 हो गया। तो ओमेगा मैक्सिमम स्क्वायर कितना हो गया, ये आपको हो जाएगा 10। मास कितना है, ये केजी में बदलेंगे, 250 10 पावर माइनस 3 हो जाएगा इंटू आर। रेडियस कितनी है, 0.1, ये हो जाएगा। 0 0 कैंसिल हो गया, ये 1/25 हो जाएगा। और ये 10^-3, 10^-1, 10^-4 हो जाएगा, ऊपर जाएगा तो 10^4 हो जाएगा। बच्चों स्क्वायर रूट ले ले, ओमेगा मैक्सिमम कितना होगा, 10^4 का 10^2 हो गया और 25 का हो गया 5 5 25। ओके, तो 100/5 हो गया, तो आपका 20 हो गया, 20 रेडियन पर सेकेंड। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन अगला, क्वेश्चन नंबर 19। हाँ, पार्टिकल हॉरिजॉन्टल सर्किल में घूम रही है, बॉडी सेंट्रीपेटल फोर्स, सेंट्रीपेटल फोर्स की वैल्यू दे रखी है -K/R2। के क्या है, कांस्टेंट। तो टोटल एनर्जी बतानी है, टोटल एनर्जी बॉडी की कितनी होगी, टोटल माने काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। तो हमें निकालना है, काइनेटिक निकालना है और पोटेंशियल निकालना है। सेंट्रीपेटल फोर्स कितना होता है, MV²/R। तो साइन हटा दें, जब एनर्जी मैग्नीट्यूड लें तो MV²/R क्या होगा, ये होगा K/R2। आर से आर एक कैंसिल हो गया, MV² क्या हो गया, K/R। हाफ इधर कर दें तो हाफ इधर कर दें, हाफ MV², ये होगी काइनेटिक एनर्जी, बराबर हो जाएगी K/2R। देखिए काइनेटिक एनर्जी हमेशा पॉजिटिव होगी, याद रखिए काइनेटिक एनर्जी ऑलवेज पॉजिटिव होगी, पॉजिटिव ऑलवेज। और पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, प्लस भी हो सकती है एंड माइनस भी हो सकती, प्लस एंड माइनस दोनों हो सकती है, इसलिए हमने पहले साइन हटा दिया था। काइनेटिक एनर्जी निकालने में साइन नहीं रखेंगे हम लोग, मैग्नीट्यूड लेंगे, साइन हटा दिया हमने, के ई की वैल्यू K/2RI। अब पोटेंशियल निकालना है, उसके लिए क्या, ये K/2RI पोटेंशियल के लिए हमें फार्मूला लगाएंगे हम लोग, क्या लगाएंगे, आपने एनर्जी वाले चैप्टर में पढ़ा है, F बराबर क्या होता है, -du/dr। ये फार्मूला मेमोरी में रख लें आप लोग, U क्या है, पोटेंशियल एनर्जी। इससे हम लोग तो क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करें, du बराबर क्या होगा, -FdR। F की वैल्यू साइन के साथ रखेंगे, F बराबर क्या दे रखा है, -K/R2। तो देखिए du क्या हो जाएगा, माइनस और एक माइनस K/R2 इंटू dr, इंटीग्रेशन कर दे ऐसे और ऐसे, माइनस में बन गया प्लस, और ये होगा ऐसे और K/R-2 और dr, ये हो गया u। इंटीग्रेट करें K/R-2+1 और डिवाइडेड -2+1, ये हो जाएगा, ये u हो जाएगा। सॉल्व करेंगे तो -K/R आ जाएगा, ठीक है। अब टोटल एनर्जी यही निकाल दें हम लोग, टोटल एनर्जी क्या होगी, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, वो कितनी आई थी, K/2R काइनेटिक, ये होगा -K/R हो गया, करेंगे -K/2R होगा सॉल्व करने पर। अब ये हमारा आपके आंसर हो जाएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन 20 क्वेश्चन, कह रहे हैं यूसीएम में वेलोसिटी वेक्टर और एक्सेलरेशन वेक्टर। देखिए एक्सेलेरेशन क्या होगा, केवल एसी होगा, इसमें केवल एसी काम करेगा ओनली, और एसी डायरेक्शन क्या होगी, सेंटर की ओर, ये एसी होगा। वेलोसिटी अगर ऐसे घूम रहा है, ये वेलोसिटी होगी,
एंगल कितना दोनों बीच में है, एंगल है 90, ठीक है, एंगल आपका 90 हो गया दोनों बीच में। तो बस यही पूछा है यूसीएम में एक्सेलेरेशन और वेलोसिटी का क्या एंगल होगा, 90 डिग्री होगा। ठीक बच्चों, देखिए क्वेश्चन 21, इसे पूछा है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है यूसीएम के बारे में। ओके, तो पहले एक एक कर देखेंगे हम लोग। पहला पार्ट क्या है, स्पीड कांस्टेंट, तो पक्की बात ये तो करेक्ट है, स्पीड तो कांस्टेंट होती ही है। ओके, ये करेक्ट है क्योंकि यूसीएम की बात कर रहे हैं, स्पीड कांस्टेंट होती है इसमें। ओके, दूसरा है, दूसरा ऑप्शन क्या है, एक्सेलेरेशन हमेशा सेंटर की ओर होता है, पक्की बात है क्योंकि एसी होता है, इसमें केवल एक एक्सेलेरेशन होगा, एसी बोलो चाहे एआर बोलो, वो हमेशा सेंटर की ओर होता है, तो ये वाला भी करेक्ट है, हमें चाहिए इनकरेक्ट स्टेटमेंट। ओके, ये भी आंसर नहीं, ये भी आंसर नहीं। थर्ड देखें, एक्चुअली एंगुलर वेलोसिटी पक्की बात है वी बराबर आर ओमेगा, ये क्या स्पीड, ये कांस्टेंट है, तो ओमेगा क्या होगा वी अपान आर, ये कांस्टेंट है और आर भी तो कांस्टेंट है, इसलिए क्या होगा ओमेगा भी तो कांस्टेंट होगा, ओमेगा भी कांस्टेंट होता है, तो ये भी सही है। तो बस पक्का बचा फोर मैटर, फोर्थ वाला, वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्चुअली स्पीड कांस्टेंट होती है, स्पीड कांस्टेंट है, वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, वेलोसिटी नॉट कांस्टेंट। एग्जांपल से बता दें, एग्जांपल का मतलब है समझे आप, ये यूसीएम है, ऐसे स्पीड मान ली 10 है, 10 टेंजेंशियल वेलोसिटी है, ऐसे घूम रहा है बॉडी, ऐसे यहाँ वेलोसिटी स्पीड मान ली 5 मीटर 10 मीटर पर सेकेंड है। ओके, आगे चलेंगे, यहाँ पे वैल्यू तो 10 ही रहेगी लेकिन डायरेक्शन देखिए बदल गई, स्पीड वही रहेगी लेकिन वेलोसिटी बदल गई क्योंकि डायरेक्शन बदल गई, तो वेलोसिटी चेंज होगी, स्पीड कांस्टेंट होगी। ओके, तो ये वाला गलत है, ये वाला ही आंसर होगा, ये आंसर नहीं होगा। ठीक ठीक बच्चों, अगला क्वेश्चन 22 पे आते हैं। ट्वेंटी टू में यूसीएम कर रहा है पार्टिकल, यूसीएम कर रहा है, पहले देख लिया करें कौन सा मोशन हो रहा है, कौन सर्किल, यूसीएम। तो किसी समय पार्टिकल की की पोजीशन क्या है, ये प्लस एक्स एक्सिस है, ये प्लस वाई एक्सिस है, यहाँ पे पार्टिकल कहीं पे है, रेडियस क्या है आर, एंगल यहाँ से क्या है थीटा, पोजीशन कहेंगे हम लोग आर थीटा, क्योंकि थीटा क्या पॉजिटिव, एंटी क्लॉक, एंटी क्लॉक डायरेक्शन होती है, एंगल पॉजिटिव होता है, एंटी क्लॉक में एंगल पॉजिटिव होगा, नीचे नहीं चलेंगे हम लोग, एंटी क्लॉक घूमते हैं, एंटी क्लॉक एंगल पॉजिटिव होता है। तो प्लस एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉक घूमेंगे, पोजीशन ऊपर होगी नीचे नहीं होगी, ठीक है, ऑलवेज एंटी क्लॉक पॉजिटिव होता है। तो यहां पार्टिकल है, अब चूंकि यूसीएम है पूछ रहे एक्सेलेरेशन क्या होगा, ठीक है, एक्सेलेरेशन केवल एसी होगा सेंटीपीटल, तो सेंटीपीटल एक्सेलेरेशन माने यहां बना दें, इसकी डायरेक्शन क्या होगी सेंटर की ओर होगी, ये जिसको क्या करें आप लोग आगे बढ़ा लें तो आसान रहेगा, इसको आप ऐसे समझो, आप ऐसे सेंटर की ओर एक्सेलेरेशन होगा तो एक्चुअली यहां होगा सेंटर की ओर, तो इसको आगे बढ़ा लेंगे तो कंपोनेंट करना आसान रहेगा, ये थीटा है तो आमने सामने का ये एंगल थीटा होगा, की वैल्यू कितनी होगी वी स्क्वायर अपान आर। अब आंसर में क्या आईजे में बताना है, तो देखिए कंपोनेंट करेंगे हम लोग, नोक देखें आप इसका नोक, ओके, कंपोनेंट एक तो इधर जाएगा एक इधर जाएगा, तो इसके दो कंपोनेंट होंगे एक्सेलेरेशन के, देखिए इधर क्या होगा वी स्क्वायर अपान आर, ये कॉस थीटा होगा, इधर क्या होगा वी स्क्वायर अपान आर साइन थीटा, एक्सेलेरेशन के वी स्क्वायर अपान आर के दो कंपोनेंट कर दिए, तो क्या लिखेंगे, ये माइनस आई डायरेक्शन है, ये कौन सी है माइनस आई डायरेक्शन है और ये डायरेक्शन माइनस जे है, तो एक्सेलेरेशन टोटल क्या लिखेंगे हम लोग, एक्सेलेरेशन लिखेंगे सेंटीपीटल एक्सेलेरेशन है, हम लिखेंगे ए सी बराबर क्या होगा माइनस वी स्क्वायर अपान आर कॉस थीटा आई माइनस वी स्क्वायर अपान आर साइन थीटा जे।
ये लिखेंगे हम लोग, ठीक है। इस टाइप से हमने क्या किया, इसको वेक्टर को आगे बढ़ा दिया, चेंज हुआ नहीं। यहाँ करते तो मिस्टेक हो सकती समझने में, तो हमने हेड आगे, हेड वही रहेगा, वेक्टर को आगे डिस्प्लेस कर दिया। वेक्टर किसी को आगे शिफ्ट करो या पीछे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैग्नीट्यूड वही आएगी, डायरेक्शन वही रहेगी। तो हमने वेक्टर को क्या कर दिया, आगे बढ़ा दिया। यहाँ सेंटर की ओर था तो इधर ऐसे होता, आगे बढ़ा दिया तो इसमें कंपोनेंट करना आसान हो गया और मिस्टेक भी नहीं होगी। अगला क्वेश्चन 23, हाँ कह रहे सर्कुलर पाथ में बॉडी चल रही है तो फोर्स का वर्क जीरो। एक्चुअली फोर्स क्या होगा, सेंट्रीपिटल जो फोर्स की बात करेंगे इसका वर्क जीरो होगा, इसका वर्क ड्यू टू सेंट्रीपिटल फोर्स जीरो होगा। टेंजेंशियल फोर्स जीरो नहीं होगा, क्यों जीरो होगा, सेंट्रीपिटल सेंटर की ओर काम करेगा, सेंट्रीपिटल FE FCA हो गया। डिस्प्लेसमेंट कहाँ होगी, जो वेलोसिटी डायरेक्शन वही डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन होगी। एंगल कितना है 90 डिग्री, तो वर्क बाई किसकी वजह से FC, ये होगा जीरो, क्यों, कि ये क्या होगा FC इंटू D इंटू cos 90 हो जाएगा, cos 90 मीन्स जीरो, तो सेंटीपिटल फोर्स की वजह से वर्क हो जाएगा जीरो। तो क्यों जीरो होता है, क्योंकि परपेंडिकुलर है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अगला क्वेश्चन 24, बच्चों क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं ना आपको, क्वेश्चन कैसे पढ़ना चाहिए, कैसे लिखना चाहिए, कैसे आगे बढ़ना चाहिए, समझें आप, मेथड पता होना चाहिए क्वेश्चन करने का तरीका। कह रहे हैं कोई बॉडी सर्कुलर मोशन में चल रही है, ओमेगा कांस्टेंट है, ओमेगा है कांस्टेंट। कह रहे हैं अल्फा बताओ, अल्फा क्या होगा, अल्फा बराबर क्वेश्चन मार्क। एंगुलर एक्सेलरेशन का सिंबल क्या है अल्फा, तो देखिए अल्फा क्या होता है, अल्फा होता है डी ओमेगा बाय डीटी, ये कह सकते हैं आप लोग डेल्टा ओमेगा बटे डेल्टा टी, ठीक है, ये अल्फा की डेफिनेशन है ऐसे। आ चूंकि ओमेगा कांस्टेंट है तो ओमेगा में चेंज क्या होगा, जीरो, ओमेगा इज कांस्टेंट, ओमेगा कांस्टेंट होगा तो डेल्टा ओमेगा क्या होगा, जीरो, इसलिए देयरफॉर अल्फा भी जीरो होगा, क्योंकि अल्फा क्या करता है, ओमेगा को चेंज करता है। ये हमने पहले एक क्वेश्चन में और बताया था, अल्फा ओमेगा को चेंज करता है, चेंज माने घटा भी सकता है बढ़ा भी सकता है, ओके। अगला क्वेश्चन बच्चों आते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 पे आते हैं, तो इसे अल्फा क्या हो गया, जीरो हो गया। क्वेश्चन 24 के बाद क्वेश्चन 25, सर्कुलर पाथ कोई साइकिल का पहिया चल रहा सर्किल पाथ में, आर क्या 4 मीटर, रेडियस है 4 मीटर, हाँ एक चक्कर एक रिवोल्यूशन कितनी देर में लगाता है, 2 सेकंड में। इसका मतलब क्या हुआ, टाइम पीरियड हो गया हमारा 2 सेकंड, इसी को टाइम पीरियड बोलते हैं, एक चक्कर लगाने का टाइम, ठीक है। तो अब कह रहे हैं एक्सेलरेशन बताइए, पक्की बात कुछ बात नहीं की तो एक ही एक्सेलरेशन होगा, वही सेंटीपिटल पूछा है नॉर्मली। सेंटीपिटल एक्सेलरेशन क्या होता है, एसी वी स्क्वायर आर अपॉन आर होगा, इसी को कह सकते हैं हम लोग ओमेगा स्क्वायर आर, क्योंकि वी मालूम नहीं है, ओमेगा हम निकाल सकते हैं। ओमेगा क्या होगा, ओमेगा होगा 2π/T बराबर क्या हो, 2π/T-2, ये हो गया पाई। ओमेगा वैल्यू उठा के यहाँ रख दें हम लोग, पाई का स्क्वायर आर माने 4, तो ये होगा 4π² हो गया, ठीक है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यूनिट क्या होगी MKS, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 25 बाय 26 क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन करना है फिर सही करने की कोशिश करें, उसके बाद फिर अगर सही होने लगे तो क्वेश्चन जल्दी कोशिश करें, क्योंकि टाइम एग्जाम में कम होता है, ओके। पहले आप ध्यान दें सही करने के, टाइम भले ज़्यादा लगे क्वेश्चन ज़्यादा ज़्यादा करेक्ट हो, अगर टच करें क्वेश्चन में हाथ लगाएं तो सही जाना चाहिए,
क्वेश्चन 26 देखिए, कोई बॉडी सर्कुलर मोशन कर रही है उसमें एंगल की वैल्यू समय के साथ कैसे चेंज हो रही है, दे रखा है थीटा बराबर थीटा नॉट प्लस थीटा वन टी प्लस थीटा टू इंटू टी स्क्वायर, ठीक है। अल्फा बताने, अल्फा क्या होगा, अल्फा बराबर क्वेश्चन मार्क। तो जैसे ये लीनियर मोशन में करते हैं वही से फार्मूला एंगुलर एक्सेलेरेशन एंगुलर मोशन के होते हैं, ये सर्कुलर मोशन के लीनियर में हम लोग कैसे निकालते हैं, वेलोसिटी कैसे निकालते थे, डी एक्स अपॉन डी टी डिस्प्लेसमेंट डिफ्रेंशिएट करके। इसी टाइप से ओमेगा कैसे निकालेंगे, डी थीटा अपॉन डी टी सर्कुलर मोशन में या रोटेटिव मोशन में। देखो दोनों फार्मूले मैच करते हैं आप देखिए, ठीक है। यहाँ दूरी है, डिस्प्लेसमेंट है, यहाँ पे एंगल है सर्कुलर मोशन में। इसी टाइप से एक्सेलेरेशन क्या होता है, लीनियर होता है डी वी अपॉन डी टी। उसी टाइप से एंगुलर एक्सेलेरेशन क्या होता है, डी ओमेगा बाई डी टी। ये दोनों फार्मूले आपस में मैच कर रहे हैं, देखिए आप याद करने का तरीका, ठीक है। तो हम लोग यहाँ यही करना है, ये काम करना है, पहले ओमेगा निकलेगा, पहले इससे ओमेगा निकलेगा, उसके बाद ये लगेगा। तो ओमेगा क्या होगा, डी थीटा अपॉन डी टी डिफरेंशिएट कर दिया हमने, जीरो प्लस थीटा वन प्लस टू थीटा टू टी डिफरेंशिएट करना आप जानते हैं। फिर क्या होगा, अल्फा बराबर डी ओमेगा अपॉन डी टी डिफरेंशिएट कर दोबारा, तो जीरो प्लस टू थीटा टू, बस ये आंसर हो गया आपका, ये निकालना था। क्वेश्चन 27, अगला क्वेश्चन बच्चों, एम बॉडी को डोरी से बांध करके वर्टिकल सर्कल घुमाते हैं, ठीक है। आप कह रहे क्रिटिकल वेलोसिटी बताओ, हाईएस्ट पॉइंट क्रिटिकल वेलोसिटी क्या होती है, ये याद रखिए, क्रिटिकल मान मिनिमम वेलोसिटी, ऐसे घुमा रहे ऐसे, तो मिनिमम वेलोसिटी यहाँ पे हाईएस्ट पॉइंट में, जिसको मिनिमम वेलोसिटी अगर सर्किल को जस्ट कंप्लीट करना है, वह जाते जाते डोरी बहुत ढीली हो जाएगी, टेंशन हो जाएगी जीरो। कब होगा टेंशन, जब जीरो होगा तो वेलोसिटी मिनिमम होगी। तो वी मिनिमम जो होती है टॉप पे, याद रखिए अंडर रूट आर जी होता है, याद मेमोरी रखिए आप, मिनिमम क्रिटिकल या मिनिमम वेलोसिटी हाईएस्ट पॉइंट पे इतनी होती है, और टेंशन जीरो कर निकाल भी सकते हो आप लोग, आपको क्लास में निकाला गया है। क्वेश्चन 28 देखिए, किसी बॉडी की पार्टिकल की वेलोसिटी दे रखी है वी 4i प्लस 5tj, कल एक्सेलेरेशन बताइए कितना होगा, एक्सेलेरेशन बराबर क्वेश्चन मार्क। अब देखिए देखिए इसमें क्या होगा, ये वेलोसिटी देखिए चेंज हो रही है, टाइम है ना, टाइम साथ वेलोसिटी चेंज हो रही है, तो कांस्टेंट वेलोसिटी नहीं है, तो इसमें केवल हम लोग निकाल सकते हैं 80, केवल हम लोग टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन ही निकाल सकते हैं, क्योंकि टाइम की वैल्यू दी नहीं है, तो हम लोग वी की वैल्यू एक्चुअली टाइम साथ बदलेगी, क्योंकि इसमें टी आ रहा है, तो एसी की वैल्यू टाइम साथ चेंज होगी, लेकिन 80 कांस्टेंट होगा, तो हम एक्चुअली एक ही निकाल पाएंगे 80, यहाँ पे टाइम दिया नहीं। 80 क्या होगा, 80 याद रखिए ये होता है डीवी अपॉन डीटी, ये टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन की डेफिनेशन है, स्पीड को डिफरेंशिएट करेंगे हम लोग, तो इसमें क्या होगा डिफरेंशिएट करेंगे तो कि 0 प्लस 5 हो जाएगा 5j, तो मैग्नीट्यूड कितना होगा 5 हो जाएगा, तो मैग्नीट्यूड ऑफ 80 बराबर हो जाएगा 5। एसी हम लोग निकाल नहीं पाएंगे क्योंकि टाइम दिया नहीं है और ना रेडियस दे रखी है, तो एसी हम लोग निकाल नहीं पाएंगे, ठीक है। और ये दिया भी नहीं कि सर्कुलर मोशन कर रही बॉडी कहीं भी है। क्वेश्चन 29 बच्चों,
हाँ, डोरी की लंबाई कितनी है, रेडियस का काम करेगी, रेडियस है 1 मीटर। बॉडी का मास कितना है जो बांधी गई है, 0.5 kg। वर्टिकल सर्कल में ओमेगा दे रखा है, ओमेगा दे रखा है 4 रेडियन पर सेकेंड। देखिए, एक किलो ओमेगा है, फ्रीक्वेंसी लिखा शब्द, तो इसको बोलते हैं एंगुलर फ्रीक्वेंसी। तो इसको ओमेगा का नाम क्या है, एंगुलर वेलोसिटी भी बोलते हैं और कभी कभी एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी बोल देते हैं। एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी इसका नाम है, केवल फ्रीक्वेंसी अलग चीज होती है, ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी बोलेंगे। ओके, अब कह रहे हैं वर्टिकल सर्कल घुमा रहे हैं, तो बॉडी जब लोएस्ट पॉइंट पे है तो बताना टेंशन क्या होगा। तो लोएस्ट पॉइंट पे एबीडी बनाना पड़ेगा, ये पॉइंट ए। तो फ्री बॉडी डायग्राम बनाएं, एबीडी एट ए। क्या होगा, टेंशन अंदर की ओर होगा, एमजी नीचे होगा, एक्सेलेरेशन क्या होगा, सेंटर की ओर होगा। तो क्या करते हैं, एक्सेलेरेशन होगा एम, एम आर ओमेगा स्क्वायर करते हम लोग, मास इनटू एक्सेलेरेशन। क्यों, क्योंकि ओमेगा पता चल जाएगा, ओमेगा मालूम है, ये लगाएंगे हम लोग। इक्वेशन क्या होगी, टी माइनस एम जी बराबर एम आर ओमेगा स्क्वायर। देखो टी बराबर क्या होगा, एम उधर कॉमन ले लें, योग जी प्लस आर ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, जी की वैल्यू 10 दे रखी इन्होंने, ये मास क्या है 0.5। ठीक है, जी 10 है, आर कितना है, आर 1 मीटर है, इंटू ओमेगा 4 के स्क्वायर। तो देखिए सॉल्व करेंगे, ये आएगा 26, तो 13 आ जाएगा आंसर, क्या होगा 13 न्यूटन हो जाएगा। 26 का आधा 0.5, मैंने आधा 26 ब्रैकेट वाला 0.5 मैंने आधा कर दिया, 13 आ गया क्या। ठीक है, ऐसे कैलकुलेशन तेज करनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर अगला बच्चों 30 क्वेश्चन देखे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 देखिए। मास कितना है 1 kg, क्वेश्चन पढ़ते जाएं लिखते जाएं। डोरी की लंबाई मतलब रेडियस कितना है 1 मीटर। कांस्टेंट स्पीड, स्पीड कांस्टेंट है, कांस्टेंट स्पीड बराबर दे रखा है 4। टेंशन वैल्यू 6 न्यूटन दे रखी, टेंशन इक्वल टू 6 न्यूटन। तो बताना है स्टोन कहां पे होगा, पोजीशन बतानी, पोजीशन ऑफ स्टोन। इसके क्वेश्चन क्या करेंगे हम लोग, ऑप्शंस करेंगे, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन ऑप्शन से होंगे। तो सबसे आसान पहले चेक करना होता है, टॉप चेक कर लो चाहे बॉटम, दोनों आसान है। हम चेक करते जाएं, निकालें टेंशन वैल्यू कि 6 न्यूटन कहाँ पे आती है। ठीक है, देखना पड़ेगा हमको। ठीक, जी बराबर 10 दे रखा है, तो मान लीजिए हम टॉप पे निकालें बाई चांस। ठीक है, मान ली टॉप पॉइंट ए है, बॉटम वाला पॉइंट मान ली बी है। फ्री बॉडी बनाए हम लोग, फ्री बॉडी एट ए, पहले ऑप्शन स्टार्ट करें, क्या होगा टी ए, टेंशन अंदर होगा, एम जी भी अंदर होगा, और एक्सेलेरेशन सेंटर की ओर, ये सेंटर है, तो ये होगा एम वी स्क्वायर अपन आर, एम वी, वी कॉन्स्टेंट है, एम वी स्क्वायर अपन आर होगा। टी ए प्लस एम जी, एम वी स्क्वायर अपन आर, वी कॉन्स्टेंट है, सब जगह वी सेम, तो टी ए बराबर क्या होगा, एम कॉमन ले लें हम लोग, वी स्क्वायर अपन आर माइनस जी हो जाएगा। एम की वैल्यू दे रखी है 1, V क्या है, V माने 4 का स्क्वायर, R माने 1, माइनस G माने 10, 6 बचेगा 6, ठीक है 6 न्यूटन आ गया आपका, इसका अब टॉप पे है, इसका मतलब टॉप पे हमने किया, तो ये आपका हो गया, ऑप्शन हो गया टॉप पे। बॉडी कहाँ पे, टॉप सर्किल के टॉप पॉइंट पे है। ओके,
क्वेश्चन अगला 31 देखिए बच्चों, अगर टॉप पे ना आता तो बॉटम चेक करते, अधिकतर केस में वहां आपको टॉप या बॉटम में मैच कर जाता है, ठीक है। सब सिंपल नहीं बात तो आता टॉप बॉटम तो इधर चेक करें, इधर 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 सेम होगा एक्चुअली, तो इधर या इधर मैच कर जाएगा, कोई भी नहीं आता तो नन हो जाएगा, जो भी ऑप्शन मतलब बचेगा। अगला क्वेश्चन 31 बच्चों, रेडियस सर्किल में बॉडी चल रही है, रेडियस है, रेडियस की वैल्यू हमने मीटर बदल दिया, सेंट सीएम को मीटर में चेंज कर लिया, बाद में मिस्टेक ना हो, ठीक है। स्पीड की वैल्यू दे रखी है 2t, स्पीड टाइम साथ बदल रही है, ठीक है। रेडियल दो एक्सेलेरेशन निकाले, रेडियल बोलो चाहे सेंटीपीटल, रेडियल एसी और एआर, ये निकालना है, उसके बाद एटी निकालना है, दो चीज निकालनी है। किस टाइम पे निकालना है, टी बराबर 3 सेकेंड, टी बराबर 3 सेकेंड। पहले मान लीजिए हम लोग निकालते हैं एआर, रेडियल क्या होगा, वी स्क्वायर अपन आर, ठीक। और किस टाइम पे वी निकाला जाएगा, टी बराबर 3 रखना पड़ेगा, यहां से वी निकालें, वी एट टी बराबर 3 सेकेंड, वी कितनी होगी 2 × 3 बराबर हो गया 6, इससे निकल आएगा ए आर, 6 का स्क्वायर, रेडियस कितनी है 0.3, 6 × 6 / 0.3, 0.3 हटाएंगे 0 आ जाएगा, 3 से 2 हो गया, ये हो गया 120 हो गया, यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब देखिए 120 का आंसर केवल एक में दे रखा थर्ड में, तो हमारा एक इतने से काम बन गया, ऑप्शन आ गया थर्ड वाला, क्योंकि 120 का ऑप्शन और किसी में नहीं है फर्स्ट केस में, ठीक है ना। तो ए 80 निकालने की जरूरत नहीं पड़ी अगर एग्जाम में करना है, लेकिन हम निकाल के दिखा देते हैं आपको 80 कैसे निकलेगा, ओके। अगर ऑप्शन वाली 2 में 120 होता तो 80 भी निकालना पड़ता, 80 निकाला बहुत आसान है, 80 कैसे निकलेगा अभी बताया था हमने आपको, डीवी बाई डीटी से डिफ्रेंशिएट कर दे हम लोग, देख कितना आएगा, केवल आएगा आपका 2, 80 हो जाएगा 2। मालिक पूछ देते रिजल्टेंट कितना होगा एक्सेलेरेशन तो भी निकालता रहता, ठीक है। दो चीज पूछी थी इसमें, रेडियल और टेंजेंशियल। क्वेश्चन अगला बच्चों, क्वेश्चन 32, सर्कुलर पाथ में बॉडी चल रही, स्पीड कितनी है 30 मीटर पर सेकेंड, वी बराबर 30 मीटर पर सेकेंड, रेडियस कितनी 500 मीटर, स्पीड एक्चुअली बढ़ रही है तो एक्चुअली हमको क्या दिया है टीवी बाई डीटी, ये रेट ऑफ स्पीड बढ़ने की रेट है, ये दे रखा है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एक्चुअली क्या हो गया, ये हमारा नथिंग बट 80 ही तो है, ये एक्चुअली 80 है, डी वाई डी टी माने 80। तो एक्सेलेरेशन पूछा है, एक्सेलेरेशन माने नेट एक्सेलेरेशन, नेट एक्सेलेरेशन पूछा क्या होगा, एक्सेलेरेशन माने नेट, नेट का मतलब क्या होता है, एक्सेलेरेशन दो कितने एंगल पे होते हैं, यहाँ पे होता है एसी और 80 होगा इधर की ओर, वॉल्यूम बॉडी माली ऐसे घूम रही है, एंगल दोनों का क्या होगा 90 डिग्री। हम लोग पहले निकाले एसी एटी, अलग अलग 80 निकल आया, 80 दे रखा है, एसी क्या होगा वी स्क्वायर अपन आर, वी माने 30 स्क्वायर, आर कितना है 500, तो 30 × 30 / 500, 0 0 0 0 गायब हो गया, ये आएगा 1.4, 1.8 मिलाएगा, ठीक है, 9 / 5 1.8 आएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। रिजल्टेंट एक्सेलेरेशन ए आर, रिजल्टेंट एक्सेलेरेशन ए आर लिखा, दो वेक्टर हैं 90 एंगल पर 90 पे, याद करो 90 एंगल है तो ये स्क्वायर प्लस ये स्क्वायर हो जाएगा 80 का स्क्वायर प्लस ए आर का होल स्क्वायर, ए सी का होल स्क्वायर, ये अंडर रूट 80 कितना है 1.8, हाँ 80 है 2 का स्क्वायर प्लस 1.8 का स्क्वायर,
कई लोग कैलकुलेशन नहीं कर पाएंगे। तो याद कर लिए, टेबल याद कर लिए, वो स्क्वायर याद कर ले, स्क्वायर ऑफ नंबर, ये बहुत काम पड़ेगा। स्क्वायर ऑफ नंबर्स याद कर लें, कहाँ से लेकर के 1 से लेकर के 25 तक स्क्वायर याद रखोगे आप, तो स्क्वायर रूट भी निकल आएगा, स्क्वायर भी हो जाएगा, और बहुत कठिन काम नहीं है ना। 10 तक 11 तक तो सबको याद है, 20 का स्क्वायर याद ही है, पर थोड़े बीच की याद करने हैं। तो देखिए हम उसी कर रहे हैं, 18 का स्क्वायर हमको याद है, 18 का स्क्वायर होता है 324, 324 होता है, तो 1.8 का स्क्वायर क्या होगा, 3.24 हो जाएगा। ये वैल्यू क्या हो जाएगी, अंडर रूट 4 प्लस 3.24, अंडर रूट 7.24 हो गया। ठीक, अब देखें अंडर रूट 9 कितना होता, 3 से थोड़ा कम होगा, पक्की बात है, 3 से थोड़ा कम होगा, क्यों, अंडर रूट 9 की वैल्यू 3 होती है और 9 से छोटा है और उससे बड़ा है। अंडर रूट 4 की वैल्यू क्या होगी, 2 होगी, इनके बीच में वैल्यू कहीं होगी, 2 और 3 के बीच में, 2 और 3 के बीच में वैल्यू एक ही दे रखी है 2.7, तो आंसर हो गया 2.7। तो ऐसे कैलकुलेशन की जाती है ट्रिक्स से, जुगाड़ से। ओके, जिसको याद कर लें फॉर नंबर्स का 1 से 25 तक, तो कोई भी केमिस्ट्री कैलकुलेशन या फिजिक्स की या आप कर सकते हो। अब ये नहीं स्क्वायर रूट निकालने में लगे हैं, आप देख लें किसके बीच में होगा, 2 और 3 के बीच में होगा, एक ही वैल्यू ऑप्शन में वैल्यू अच्छी देते हैं कि आपको कम कैलकुलेशन से निकाल सकें आप लोग। 30 ये आप क्वेश्चन हो गए, 32 क्वेश्चन 33 समझे, क्वेश्चन नंबर 33 अच्छा क्वेश्चन है। एक वर्टिकल सर्किल है ऐसे, यहाँ पे बॉडी है, यहाँ पे रेस्ट में है, यहाँ पे बॉडी है हाईएस्ट पॉइंट पे रेस्ट में है, हमने नाम दे दिया मतलब ए। ओके, और बॉडी चलते चलते ऊपर फिसल रही, बॉडी ऊपर चली बाहर, बाहर है बॉडी, यहाँ पर बॉडी बी ए पॉइंट मान ली बी है, कॉन्टेक्ट छोड़ देती है ना, बी पर बॉडी कॉन्टेक्ट छोड़ देती है, कॉन्टेक्ट छोड़ने का मतलब रिएक्शन, रिएक्शन जीरो हो जाएगी, कॉन्टेक्ट नहीं होगा तो रिएक्शन नहीं होगी, तो रिएक्शन एट बी जीरो हो गई, ए बी पर पॉइंट पर रिएक्शन क्या होगी, जीरो। ठीक है, तो बताना है यहां ये हाइट कितनी एच, ये जो हाइट है ये अली, ये हाइट एच दे की नोन एच, दिस इज एच। ठीक है, और रेडियस कितनी है सर्किल की, आर, तो बी पॉइंट पर इक्वेशन एक तो हम लोग बनाएंगे, एनएलएम वाली इक्वेशन, फ्री बॉडी डायग्राम से इक्वेशन एक बनेगी, दूसरी इक्वेशन बनेगी एनर्जी कंजर्वेशन से। तो हम लोग क्या मान लें, ये हाइट मान लीजिए जीरो, यहां से हम नाप रहे हैं, ये हाइट लेवल जीरो है, ठीक है ना, तो बाई कंजर्वेशन एनर्जी निकालें, पहले इक्वेशन बनाएंगे बाई कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, मतलब एनर्जी मतलब टोटल एनर्जी। ओके, टोटल एनर्जी कंजर्वेशन हम लोग करें ए और बी पर, टोटल एनर्जी एट ए बराबर टोटल एनर्जी एट बी, ए पर क्या होगी जीरो, क्या जीरो है, के ही जीरो है, पोटेंशियल कितनी है एम जी एच बराबर, बी पर क्या है पोटेंशियल जीरो है, और काइनेटिक होगी, काइनेटिक क्या होगी, यह वेलोसिटी मानी यहाँ पे वी वेलोसिटी वी, ओके वेलोसिटी वी है, काइनेटिक हो जाएगी हाफ एम इंटू वी स्क्वायर। एक क्वेश्चन एक बना दी हम, छोड़ दी थी, ओके ये क्वेश्चन बना के यहाँ छोड़ देते हैं, ठीक फिर देखा जाएगा बाद में देखते हैं। ठीक, फिर दूसरा फ्री बॉडी डायग्राम बनाए यहाँ पे, इसके लिए क्या करें, मान लीजिए एंगल हम मानना पड़े एंगल, ओके एक्चुअली एंगल मान लीजिए हमने ये थीटा ले लिया, ये थीटा एंगल है तो ये वाला एंगल भी थीटा ही होगा, यहाँ हम लोग क्या करें एफ बी डी बनाएं बी पॉइंट पर, एफ बी डी कुछ ऐसे बनेगा,
ये एक लाइन सेंटर से पास कर दें ऐसे और दूसरी लाइन पास कर दें ऐसे, ठीक है, ऐसे बनेगी को एफबीडी। तो हमने बना दिया एफबीडी, एमजी एमजी कंपोनेंट कर दें हम लोग, तो आप ऐसे समझे ऐसे बनेगी, ऐसे एमजी कंपोनेंट, ये एमजी है, एक कंपोनेंट इधर हो जाएगा, क्या हो गया एमजी कॉस थीटा हो जाएगा। ये एमजी क्या काम करेगा, एमजी वेट बॉडी का, इधर क्या होगा एमजी साइन थीटा हो जाएगा। रिएक्शन एक्चुअली इधर होगी जो जीरो, एक्चुअली एक्सेलेरेशन कहाँ होगा सेंटर की ओर, एक्सेलेरेशन होगा सेंटर की ओर, तो रिजल्ट डायग्राम यहाँ बने से बनाए, क्या होगा एम वी स्क्वायर अपान आर होगा, ये कॉस डायग्राम और रिजल्ट डायग्राम। तो क्वेश्चन देख क्या बनेगी, एम जी कॉस थीटा बराबर एम वी स्क्वायर अपान आर, एम जी कॉस थीटा बराबर होगा एम वी स्क्वायर अपान आर, ये क्वेश्चन दूसरी बन जाएगी, क्वेश्चन नंबर टू। अब क्या करें, इक्वेशन वन से एम बी स्क्वायर की वैल्यू रख दें, कितना होगा टू एम जी एच हो जाएगा, इसके एम बी स्क्वायर की वैल्यू यहाँ रखेंगे इस वाले में इक्वेशन में, देखिए क्या होगा एम जी कॉस थीटा एम बी स्क्वायर टू टू एम जी एच, टू एम जी एच डिवाइडेड बाई कैपिटल आर, एम से एंग कैंसिल हो गया, जी से जी भी कैंसिल हो गया, कॉस थीटा की वैल्यू देखिए कितनी आई, ये आई टू एच अपान आर इक्वेशन, इसको हम लोग थर्ड दे दिया हमारा नाम, इक्वेशन टू ये थर्ड हो गई, कॉस थीटा की वैल्यू एक वैल्यू आ गई, दूसरी वैल्यू फिगर से निकाल सकते हम लोग, ये कितनी वैल्यू होगी, ये वैल्यू कितनी होगी, देखिए पूरी ये रेडियस आर है, ऊपर एच को माइनस कर देंगे, ये होगा आर माइनस एच, इसकी वैल्यू होगी आर माइनस एच के बराबर, छोटे ट्रेंगल लीजिए पाइथागोरस लगा दें, कॉस थीटा या कॉस थीटा कितना होगा फिगर में, बेस अपान हाइपोटेनस, तो हम कॉस थीटा यहाँ लिख देते, फिगर चाहिए सामने, कॉस थीटा होगा आर माइनस एच डिवाइडेड बाई कैपिटल आर, फिगर से आया ये कॉस थीटा, इक्वेशन से आया, दोनों कॉस थीटा हम लोग बराबर कर दें, इक्वल कर दें, देखिए क्या आएगा आर माइनस एच इक्वल टू अपान आर, ये आएगा टू एच अपान आर, आर से आर कैंसिल हो गया, एच बराबर आएगा सीधे आर बाई थ्री, ये आपका आंसर होगा। थोड़ी कैलकुलेशन बड़ी है, ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है आपका, कुछ क्वेश्चन छोटे कुछ बड़े, तो बैलेंस हो गया मैटर, ये इतनी वर्किंग करनी पड़ेगी आपको, ठीक है। क्वेश्चन 34 पे आते हैं बच्चे, अगला क्वेश्चन पे, क्वेश्चन 34, क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, कोई बॉडी को वर्टिकल सर्किल में घूम रही है बॉडी, तो मैक्सिमम टेंशन मिनिमम टेंशन रेशियो दे रखा है, दे रखा है टी मैक्स, टी मैक्स अपान टी मिनिमम, ये दे रखा है 3 5/3, ठीक है, और वेलोसिटी कांस्टेंट, एक्चुअली स्पीड कांस्टेंट है, स्पीड देखिए वेलोसिटी कभी कांस्टेंट नहीं होती, एक्चुअली कह देते हैं स्पीड ही कांस्टेंट होती है, वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होगी बट लिख देते हैं मोटी भाषा में, वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होगी, एक्चुअली स्पीड कांस्टेंट होती है, ठीक है, तो कांस्टेंट स्पीड कांस्टेंट है, मान लीजिए वी के बराबर, ओके, तो वी की वैल्यू बतानी कितनी होगी, ठीक है। देखिए मैक्सिमम टेंशन मिनिमम टेंशन कहाँ होगा, यहाँ टेंशन मिनिमम होता है हाईएस्ट पॉइंट पे, मैक्सिमम कहाँ होगा लोएस्ट पॉइंट पे, तो हमने नाम दे दिया, मान ए दिस इज पॉइंट बी, ओके नाम दे दिया, तो एक्चुअली इनका रेशियो हमें पता है, अगर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे तो हम कह सकते हैं 3 × TB, मैक्सिमम को बी कर दिया, इक्वल टू क्या होगा 5 × TA होगा इक्वेशन, इसको हम वन नाम दे दिया, ओके क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे दिया, मैक्सिमम माने बी मिनिमम माने ए, ओके। अब इसमें क्या करें, टी बी टी ए निकालें और यहां पर रख दें, तो निकालना कोई कठिन काम नहीं है, फ्री बॉडी डायग्राम से हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए पहले हाईएस्ट पॉइंट ए, फॉर पॉइंट ए, ए पॉइंट की बात करें, मान लीजिए पहले ए से स्टार्ट करते हैं, एफ बी डी क्या होगा टी ए, एम जी इधर लगेगा और एक्सेलेरेशन सेंटीपीटल होगा एम वी स्क्वायर अपान आर, आर रेडियस मान लोगे, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या बनेगी, टी ए प्लस एम जी, ओके
बराबर होगा एम वी स्क्वायर अपन आर, तो टी ए बराबर आपका ये होगा एम वी स्क्वायर अपन आर माइनस एम जी, ये टी ए होगा। इसी प्रकार फ्री बॉडी डायग्राम बनाए बी पॉइंट के लिए, फ्री बॉडी डायग्राम एट फॉर बी, ए बी डी एट बी, टी बी सेंटर की ओर अंदर की ओर टेंशन होगा, एम जी होगा इधर की ओर और सेंटर की ओर का एक्सेलेरेशन होगा, एम वी स्क्वायर अपन आर। देखिए वी कांस्टेंट है, वी बदलेगा नहीं क्योंकि दिया है क्वेश्चन में ना, वैसे तो वी चेंज हो जाता है लेकिन इसमें दिया कांस्टेंट है। तो टी बी देखिए निकालें क्या निकलेगा, टी बी माइनस एम जी है ना, टी बी माइनस एम जी इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपन आर हो जाएगा। तो टी बी बराबर एक्चुअली क्या होगा, एम जी प्लस एम वी स्क्वायर अपन आर, ये टी ए टी बी की वैल्यू कहाँ रख दें, यहाँ पर रख दें, ठीक है, और सॉल्व करेंगे तो वी की वैल्यू आ जाएगी आपको, सॉल्व करेंगे वैल्यू वी की, मतलब वी की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। ये वैल्यू कहाँ रख दें, इक्वेशन वन नंबर रख दें दोनों, टी ए टी बी दोनों सॉल्व करेंगे वैल्यू आ जाएगी। चलिए मैं सॉल्व कर देता हूँ आपके सामने, थोड़ा थ्री टी बी, चलिए क्या है ठीक है लिख देते हैं अब, ये वैल्यू थोड़ी यहाँ पे रखना पड़ेगा, ये सॉल्व कर लें आप आ जाए, ओके सॉल्व कर लें तो अपने आप आ जाएगा, वी की वैल्यू मिल जाएगी। क्वेश्चन नंबर 35, आप कह रहे हैं लोएस्ट पॉइंट पर मिनिमम वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए कि हाईएस्ट पॉइंट पर जाते जाते डोरी जस्ट ढीली हो जाए, तो क्रिटिकल वेलोसिटी, तो क्रिटिकल वेलोसिटी याद रखिए हाईएस्ट पॉइंट पर कितनी होती है, वी क्रिटिकल होती है हाईएस्ट पॉइंट अंडर जी आर। अगर ये हाईएस्ट पॉइंट पर क्रिटिकल वेलोसिटी हो तो लोएस्ट पर कितनी होगी, अंडर फाइव जी आर होगी, और यहाँ पर कितनी होगी, सब वैल्यू याद रखें, यहाँ पर क्या होगी अंडर थ्री जी आर होगी। हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी या क्रिटिकल के बराबर है अंडर जी आर, तो इस पॉइंट पे अंडर थ्री आर होगी और बॉटम पॉइंट पे अंडर फाइव जी आर होगी, इसके सामने भी वेलोसिटी यही होगी अंडर थ्री जी आर। ये वैल्यू एग्जाम में अगर काम आए तो तुरंत याद होना चाहिए क्योंकि टाइम वहाँ पे कम होता है, ठीक है, कॉमन वैल्यू है याद होना चाहिए आपको। क्वेश्चन नंबर 36, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36, पार्टिकल वर्टिकल सर्किल में घूम रहा है, ठीक है, ये वर्टिकल सर्किल घूम रहा है, ऐसे मान लीजिए डोरी की सहायता, ठीक है, ऐसे तो डोरी की दो पोजीशन ली इन्होंने, कहा वर्टिकल से पहले पार्टिकल 30 एंगल पे है फिर 60 पे है, तो देखिए वर्टिकल ऐसे चल रहा है, ऐसे घूम रहा है, तो नीचे जब आ रहा है बॉडी पार्टिकल, जब नीचे आ रहा है तो दो पोजीशन है, क्या मतलब है, इस टाइप से एक पोजीशन होगी 30 एंगल वर्टिकल से है 30 डिग्री और एक पोजीशन होगी 60 डिग्री, ये पूरा एंगल कितना है 60 है, ऊपर वाली पोजीशन नहीं है, जब बॉडी नीचे आ रही है तब पोजीशन दे रखी है, एंगल दिया वर्टिकल से 30 60, ठीक है, तो टेंशन के मान 30, यहाँ पर टेंशन T1 दे रखा है इन्होंने, इस पोजीशन टेंशन है T2, ठीक है। तो देखिए बॉडी जब ऊपर से नीचे आती है तो टेंशन लगातार बढ़ता जाता है, पक्की बात है, पहले ये पड़ेगा पॉइंट फिर आगे चलिए, तो यहां पर टेंशन क्या होगा, इससे ज्यादा होगा, तो जैसे बॉडी ऊपर से नीचे आएगी वर्टिकल सर्किल में तो टेंशन लगातार बढ़ता जाता है, इसीलिए यहां पर मैक्सिमम होता है, यहां पर टी होता है मिनिमम और यहां पर टी होता है मैक्सिमम, पक्की बात है, पहले ये पड़ेगा पॉइंट फिर ये पड़ेगा, तो T1 की वैल्यू क्या होगी, T2 से ज्यादा होगी, इतनी बात है। 37 क्वेश्चन बच्चों, अगला क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन 37, इसमें फिगर दे रखा है, क्वेश्चन 30 में
सेवन फिगर दिया है। बॉडी को रिवर्स सर्कल मोशन कर रही है और एक्सेलेरेशन दिया है, एक्सेलेरेशन दे रखा है उन्होंने, डायरेक्शन दे रखी है एक्सेलेरेशन की। ये एक्सेलेरेशन जो है ये इस डायरेक्शन में ऐसे एक्सेलेरेशन दिया ए, एक्सेलेरेशन दे रहा है अल्फा, अल्फा की वैल्यू दे रखी 15, अल्फा बराबर दे रखा 15 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्चुअली क्या है ये नेट एक्सेलेरेशन है, नेट और रिजल्टेंट एक्सेलेरेशन है, लिखा भी है उसमें रिजल्टेंट, टोटल टोटल मान रिजल्टेंट एक्सेलेरेशन है, रिजल्टेंट एक्सेलेरेशन। स्पीड बतानी है तो देखिए एंगल दे रखा है 30 डिग्री यहां पे, तो हम लोग टोटल का क्या करें, सेंटर की ओर इसका कंपोनेंट कर दो, आप लोग इसका कंपोनेंट कर दे सेंटर की ओर, तो इधर कंपोनेंट जो आएगा वो क्या होगा, वो एसी हो जाएगा। तो एसी बराबर क्या होगा, ये अल्फा बराबर 15 है, ये होगा अल्फा कॉस 30 डिग्री। इसका हमने क्या किया, टोटल रिजल्टेंट का कंपोनेंट कर दिया सेंटर की ओर, ये क्या है हमारा सेंटर, ओके। तो ये होगा 15 कॉस 30 मतलब रूट 3/2, ये क्या होगा, ये एसी, एसी माने ये वी स्क्वायर अपन आर हो जाएगा। एक्चुअली हमें वी निकालनी, तो देखिए वी स्क्वायर बराबर क्या होगा, 15 इंटू रूट 3/2, रेडियस कितनी है, रेडियस दे रखी है 2.5, ठीक है, ये वी स्क्वायर हो गया। वैल्यू थोड़ा सॉल्व कर लें इसको, अलग गया वैल्यू देखिए, अब देखिए थोड़ा पहले रूट थ्री अलग रहने दें, इसको मल्टीप्लाई कर लें आप लोग, ये आएगा इस टाइप से, ये अपान टू हो जाएगा इंटू रूट थ्री हो जाएगा ऐसे, ठीक है। अब देखिए लगभग इसको अप्रोक्सीमेटली क्या कर दें, इसको लगभग 38 समझ लो, लगभग 19 हो जाएगा इंटू रूट थ्री। अब सॉल्व करते जाते हैं और, ठीक, रूट थ्री की वैल्यू क्या होती है, रूट थ्री होती 1.73, तो ये आपका होगा 19 इंटू 1.7, ठीक है। अब देखिए 17 टेबल याद होनी चाहिए आपको, ठीक है, सेवनटीन टू नाइन किया 153 होता है, 15 कैरी हो गया, 32 हो गया और पॉइंट ये हो गया कि वैल्यू लग गई 32.3, ये हो गया वी स्क्वायर की वैल्यू। तो वी की वैल्यू क्या है, 6 थोड़ी कम होगी आपकी, क्योंकि 36 होता तो 6 होता, 6 से थोड़ा कम तो 6 थोड़ा कम, एक ही आंसर है 5.7 बस। तो ऐसे स्क्वायर करना पड़ेगा, टेबल याद होनी चाहिए, अदर कैलकुलेशन आप नहीं कर पाओगे। हमको टेबल याद थी 17 की, हम टेबल पढ़ दी, आंसर हो गया 32.3। अगर 36 होता तो वैल्यू कितनी होती, 6 हो जाती, 36 थोड़ा छोटा है तो 6 से वैल्यू थोड़ी कम होगी, ऑप्शन में थोड़ी वैल्यू कम 6 से, बस 5.7 है, तो आंसर 5.7 हो जाएगा। ये सब कैलकुलेशन प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अगला क्वेश्चन 38, ठीक है, कह रहे वर्टिकल सर्कुलर बॉडी घूम रही है तो लोएस्ट पॉइंट टेंशन बताओ कितना होगा। तो अभी बात हो चुकी है टेंशन लोएस्ट पॉइंट कैसे निकालते हैं, एबीडीएम बना के दिखा चुके हैं। टेंशन की वैल्यू क्या होगी, ऐसे टेंशन अंदर और एम जी नीचे और सेंटर की ओर एक्सेलेरेशन मतलब एम वी स्क्वायर अपन आर। तो टी ये क्या पे है, ये ए पॉइंट पे, ये सब करके दिखा चुके हैं और क्वेश्चन में पॉइंट ए पे, तो टी माइनस एम जी बड़ा एम वी स्क्वायर बाई आर हो जाएगा। तो टी कहाँ पे, टी लोएस्ट पॉइंट पे, योग एम जी प्लस एम वी स्क्वायर बाई आर, ओके। क्वेश्चन अगला 39,
हाँ, कह रहे पेंडुलम वर्टिकल सर्किल में घूम रहा है, ठीक है, ऐसे पेंडुलम ऑसिलेट करेगा, तो यहाँ पर जो टेंशन है बोले हैं 3 mg के बराबर है। ये क्या होगी, यही मीन पोजीशन होती है, ये कहलाएगी मीन पोजीशन, और किनारे पे जा कर के यहाँ पे कहीं रुक जाएगा, यहाँ पे किनारे जा कर रुक जाएगा। तो बताना है ये थीटा कितना होगा, ये थीटा की वैल्यू क्वेश्चन मार्क, कितने में एंगल पर जाके रुक जाएगा, थीटा बराबर क्वेश्चन मार्क, थीटा निकालना क्या होगा, ठीक है। ये मान ली पॉइंट हमारा ए हो गया, ये पॉइंट हमारा बी हो गया, ओके, डॉटेड कर दें ऐसे, एनर्जी कंजर्वेशन कर लें हम लोग, दो क्वेश्चन बनेगी कंजर्वेशन एनर्जी से, एक बनेगी एबीडी से, ठीक है। तो फ्री बॉडी डायग्राम वाले पहले बी बन रहा है, फ्री बॉडी डायग्राम एबीडी एट बी क्या होगा, टीबी टेंशन, एमजी एक्सेलेरेशन सेंटर की ओर, योग एम वी बी के स्क्वायर अपान आर, आर रेडियस मान लीजिए, ओके, ये बी पे वेलोसिटी, ठीक है। तो क्वेश्चन टीबी की वैल्यू कितनी दे रखी है, टीबी बराबर 3 mg दे रखा है, तो 3 mg माइनस mg बराबर क्या होगा, एम वी बी स्क्वायर अपान आर, 2 mg हो गया, 2 mg बराबर एम वी बी स्क्वायर अपान आर, ये बना के क्वेश्चन हमारी 1 हो गई, छोड़ दिया हमने, ओके, फिर देखेंगे आगे जैसा काम पड़ेगा उसके दिया है, ठीक है। आप कंजर्वेशन एनर्जी करें, ये लेवल मान लीजिए हॉरिजॉन्टल, ये पोजीशन H0, यहां से हम लोग हाइट नाप रहे हैं, ओके, ये क्या है, ये है हमारी रेडियस आर, तो ये कितनी होगी, हाइट कितनी होगी, ये हाइट क्या होगी आर, ये कितनी होगी, आर कॉस थीटा होगी ऊपर वाली, क्यों, ये आर कॉस थीटा होगी, ये पूरी आर है, तो ये जो हाइट है ये, इसकी जो वैल्यू क्या होगी, ये हाइट हमने एच कह देंगे, ये आर माइनस आर कॉस थीटा होगी, ठीक है, क्योंकि ये क्या होगी, इसकी वैल्यू होगी आर कॉस थीटा, ऊपर वाला ट्रेंगल ले लिया हमने, ये इसकी वैल्यू होगी आर कॉस थीटा, और पूरी, ये पूरी कितनी है, ये पूरी आर है, इतनी आर कॉस थीटा माइनस कर दिया तो ये वाली हाइट आ गई, इसको कह सकते हैं आर 1 माइनस कॉस थीटा। अब एनर्जी कंजर्वेशन करें, बाई कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ टोटल एनर्जी, तो टोटल एनर्जी एट ए बराबर टोटल एनर्जी एट बी, ए पर एनर्जी, ये देखिए यहाँ वेलोसिटी 0 है, यहाँ वेलोसिटी 0 है, तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, 0 ए पर, पोटेंशियल कितनी होगी, mgh होगी, बराबर बी पर क्या है, पोटेंशियल 0 है, क्या होगी, केवल काइनेटिक होगी, हाफ एम इंटू वी बी का होल स्क्वायर, ठीक है। अब एम वी बी की स्क्वायर की वैल्यू यहां से उठा कर रख दी, क्या रखेंगे, 2 mgr बराबर होगा एम वी बी स्क्वायर, यहां से उठा के वहां रख दें हम लोग, देख क्या हो जाएगा, एम जी एच बराबर हाफ एम बी बी स्क्वायर आएगा आपका 2 mgr, 2 mgr। अब एच की वैल्यू रख दें हम लोग, एम से एम कैंसिल, जी से जी कैंसिल, एच ये है आर 1 माइनस कॉस थीटा बराबर, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये आर हो गया, कॉस थीटा देखिए ये हो गया आर कैंसिल हो गया, कॉस थीटा आया 1, ये 2 हाफ एम बी बी स्क्वायर एम जी एच, और ये आपका होगा एम जी एच हाफ, और 2 कैंसिल, तो आर की वैल्यू, हाँ कॉस थीटा 1 आएगा, थीटा आपका होगा 0 degree, कि मिस्टेक कैलकुलेशन कोई मिस्टेक ना हुई हो, बाकी आपका करेक्ट है मैटर, 2 mgr 2 mgh एम वी बी स्क्वायर बाई आर, तो आर यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 mgr एम वी बी स्क्वायर, कॉस थीटा देखिए ये कितना आएगा, 1 माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 आएगा, तो कॉस थीटा हो जाए 0,
कॉस थीटा हो जाएगा जीरो का मतलब थीटा कितना हो गया 90 डिग्री। ये है मामला। ओके तो क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, कैलकुलेशन थोड़ी ज़्यादा करनी पड़ेगी। अगला क्वेश्चन में आते बच्चों, क्वेश्चन नंबर 40। हाँ कह रहे बॉडी है वर्टिकल सर्किल मोशन कर रही है, हाईएस्ट पॉइंट वेलोसिटी कितनी अंडर क्रिटिकल बराबर है, मतलब अंडर रूट जी आर वेलोसिटी है। यहाँ वेलोसिटी कितनी है, वेलोसिटी बराबर अंडर रूट जी आर, क्रिटिकल यही होती है। ठीक है तो बताना है यहाँ पर कहाँ पे, यहाँ पे डोरी जब हॉरिजॉन्टल है, डोरी कहाँ हॉरिजॉन्टल होगी, यहाँ ये पॉइंट मतलब ए है, ये पॉइंट बी, यहाँ पर डोरी हॉरिजॉन्टल होगी, वर्टिकल सर्किल आप देख सकते हो यहाँ हॉरिजॉन्टल होगी, इसके सामने वाले पॉइंट पर भी हॉरिजॉन्टल होगी। तो यहाँ बताना एक्सीलरेशन कितना होगा। ठीक है तो यहाँ एक्चुअली वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी। ठीक है यहाँ निकालनी वेलोसिटी, वेलोसिटी कैसे निकलेंगे, ये हाइट हम लोग यहाँ मान ली जीरो हो गई, एनर्जी कंजर्वेशन करें हम लोग, टोटल एनर्जी ए पर बराबर टोटल एनर्जी होगी बी पर। ए पर एनर्जी क्या होगी, हाफ एम वी स्क्वायर माने जी आर प्लस एम जी एच, एम जी एच माने क्या होगी, एम जी इंटू आर, ये कितनी होगी, आर ही तो होगी रेडियस, हाइट हम लोग यहाँ से नाप रहे हैं। ओके बराबर एनर्जी टोटल बी पे कितनी होगी, जीरो होगी पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक क्या होगी, हाफ एम इंटू वी बी स्क्वायर। ठीक है तो देखिए ये जोड़ेंगे 3/2 एम जी आर हो जाएगी, 3/2 एम जी आर होगी, बराबर क्या होगा, हाफ एम इंटू वी बी स्क्वायर, तो एम से एम कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, वी बी स्क्वायर कितना आया, वी स्क्वायर आया 3 जी आर के बराबर, तो वी बी स्क्वायर बटे आर एक्सेलेरेशन क्या होगा, एक्सेलेरेशन एट बी बराबर होगा वी बी स्क्वायर अपन आर, करेंगे हम लोग इसकी वैल्यू क्या आएगी, 3g आएगी, आएगी ये वैल्यू हो जाएगी 3g बराबर। ओके केवल एक्सेलेरेशन सेंटीपीटल है, टेंजेंशियल नहीं है कोई यहाँ पे। अगला क्वेश्चन 41 बच्चों, क्वेश्चन नंबर 41। ठीक ये क्या है, रोटेटिंग टेबल, टेबल रोटेट कर सर्कुलर मोशन कर रही है, ये कोई रोटेटिंग टेबल है, ऐसे मान ली कहीं घूम रही है, ऐसे ऐसे कोई एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा घूम रही, ठीक ये उसका सेंटर है, घूम रही पहले ओमेगा से, तो एक कोई सिक्का रखा, ऐसे घूम रही टेबल, ऐसे ऐसे घूम रही है, तो सिक्का यहाँ रखा गया, यहाँ कोई सिक्का रखा गया, ओके कॉइन यहाँ पे कॉइन रखा गया, तो जब ओमेगा से घूम रही है तो 9 cm, ये डिस्टेंस कितनी, 9 cm पर फिसलने वाली बॉडी हो रही, 9 cm पे बॉडी फिसलने वाली है, स्लिप करने वाला हो गया कॉइन। ठीक है फिर क्या करें, ओमेगा को 3 times कर दिया, ओमेगा की जगह इसको कर देंगे 3 ओमेगा थ्री। ओके तो कह रहे हैं कितने डिस्टेंस पर ये फिसलने वाला होगा, ये हमें बतानी है डिस्टेंस आर मली आर। ओके ठीक आर की वैल्यू बतानी कितने डिस्टेंस पर फिसलेगा। तो देखिए फ्री बॉडी डायग्राम समझें, इस पर कौन कौन से बॉडी फोर्स लगेंगे, क्योंकि फिसलेगी बॉडी तो सेंटर से दूर की ओर फिसलेगी, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा, तो इसका बीडी बनाए कॉइन का बीडी, फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ कॉइन। तो फ्रिक्शन फोर्स कहाँ लगेगा, सेंटर की ओर, तो इस पर क्वेश्चन के एक्चुअली ऐसे हम लोग बनाए, तो आर लगेगा ऊपर, रिएक्शन ऊपर लगेगा, रिएक्शन आर ऊपर लगेगी, एम जी नीचे लगेगा, और फ्रिक्शन फोर्स लगेगा म्यू आर इधर, क्योंकि फिसलने टेंडेंसी है सेंटर से दूर की ओर, तो फ्रिक्शन फोर्स उल्टा लगेगा, और एक्सेलेरेशन कहाँ होगा, सेंटर की ओर, वो होगा एम आर ओमेगा स्क्वायर। इक्वेशन क्या बनेगी, आर बराबर एम जी, इधर कोई मोशन नहीं है, आर बराबर होगा एम जी, और इसकी क्या होगा, म्यू आर बराबर होगा एम आर ओमेगा स्क्वायर,
डिवाइड कर दें, अगर डिवाइड कर देंगे तो म्यू बराबर सीधे हो जाएगा एम आर ओमेगा स्क्वायर डिवाइड बाई एम जी, एम से एम कैंसिल हो गया, म्यू बराबर होगा आपका आर ओमेगा स्क्वायर अपान जी, या कह सकते हैं आर ओमेगा स्क्वायर बराबर म्यू जी, और म्यू जी क्या है कांस्टेंट, दोनों कंडीशन में म्यू और जी कांस्टेंट है तो हम कह सकते हैं कांस्टेंट आर ओमेगा स्क्वायर कांस्टेंट हो गया। आर क्या सेंटर्स दूरी, तो दो कंडीशन लगा ले हम लोग, हम क्या करेंगे कह देंगे हम लोग आर वन ओमेगा वन स्क्वायर आर टू ओमेगा टू स्क्वायर हो जाएगा। आर वन कितनी कितनी दूरी है पहले 9, ओमेगा तो ओमेगा स्क्वायर ओमेगा वन ओमेगा है, दूरी बाद की निकालनी है, ओमेगा कितना है 3 ओमेगा का होल स्क्वायर, देखेंगे आर टू बराबर आएगा 1, देखिए 9 कैंसिल हो जाएगा तो आर टू बराबर आपका 1 सी एम आ जाएगा, यही हमारा आपका आंसर होगा। ओके अच्छा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर अब आगे देखें बच्चों, क्वेश्चन नंबर 42 पे आते हैं। ठीक क्वेश्चन 42, इनमें नॉन यूसीएम बॉलर है, नॉन यूसीएम हो रहा है, देखिए मोशन चाहे यूसी, अब पूछा है इन्होंने क्या पूछा है, ऑप्शन में दे रखा है वेलोसिटी बताइए कहाँ होगा, कौन कौन सी वेलोसिटी होगी, डायरेक्शन क्या होगी और एक्सीलरेशन क्या होगा। ठीक है तो वेलोसिटी हमेशा टेंजेंशियल होगा, चाहे यूसीएम हो चाहे नॉन यूसीएम हो, वेलोसिटी हमेशा टेंजेंट वाली होगी। ठीक है और नॉन यूसीएम है तो एक्सीलरेशन क्या होंगे, एक्सीलरेशन दो होंगे एसी एंड एटी दोनों होंगे। ठीक है तो एक्सीलरेशन के दो कंपोनेंट होंगे, एक एसी होगा एटी होगा, टी माने ट्रांसवर्स, वेलोसिटी क्या होगी ट्रांसवर्स। ठीक है तो ऑप्शन आप 4 वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 43, अगला क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर 43, पेंडुलम ऑसिलेट कर रहा है इसे, ये रेडियस कितनी है लंबाई बराबर, ओके किसी समय ये वर्टिकल से थीटा एंगल बना रहा है, बॉब यहां पे है, स्पीड इस समय कितनी है, स्पीड इसकी वी है, वेलोसिटी आपकी वी है, तो बताना है टेंशन, टेंशन कितना होगा, टेंशन वैल्यू बतानी है क्या होगा। ठीक है तो आप देखिए इसका एबीडी बनाना पड़ेगा हमको, एबीडी अगले पेज बनाते हैं हम लोग, देखिए एबीडी बनाते हैं, एंगल ये थीटा है वर्टिकल से, तो यहां पे एक्चुअली ऐसे करेंगे हम लोग तो वर्टिकल से एंगल ऐसे, देखिए तो वर्टिकल थीटा तो ये हो जाएगा थीटा, ये भी वर्टिकल से एंगल होगा, यहां पे होगा एम जी, आमने सामने का एंगल ये भी थीटा होगा, एम जी के दो कंपोनेंट कर देंगे एम जी कॉस थीटा इधर होगा, बाकी दूसरा हो जाएगा एम जी साइन थीटा इधर, तो कंपोनेंट हम लोग ऐसे बनाया बी डी का बनेंगे, एक लाइन रेडियस के लाऊंगी ऐसे, एक ऐसे और एक ऐसे, तो इसमें देखें एम जी साइन थीटा होगा, यहां पे टेंशन सेंटर की ओर होगा इधर, एम जी कॉस थीटा इधर होगा, एक्सीलरेशन सेंटर की ओर होगा, एक्सीलरेशन ये बनाएंगे एम वी स्क्वायर अपान आर, आर माने एल, इक्वेशन क्या बनेगी टी माइनस एम जी कॉस थीटा बराबर होगा एम वी स्क्वायर अपान एल हो जाएगा। टी बराबर क्या होगा एम जी कॉस थीटा प्लस एम वी स्क्वायर बाई एल, अगला क्वेश्चन बच्चों क्वेश्चन 44 पे आते हैं।
अब ये रोटेटिव मोशन वाले क्वेश्चन है। रिंग किसको कहते हैं? साइकिल का रिंग आपने देखा होगा, ये किनारे किनारे जो स्टील का बना होता है उसको कहते हैं रिम। इसकी पूरी कहलाता रिम। ओके, कह रहे रिम पांच पार्टिकल है, यहाँ रख दिया रिम में। एक ये है, ये दो, थ्री और फोर और माली फाइव। ये सभी का मास क्या है? 2 kg। रेडियस कितनी है? 0.1 meter। है क्या एक्चुअली? ये डिस्क है। ये क्या हमारी डिस्क है? डिस्क का मास क्या है? लगभग 0 में लिखा है ना, नेग्लिजिबल मास। डिस्क का मास 0 है। कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला पूरे सिस्टम का, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। डिस्क का चूंकि मास 0, तो आई डिस्क का आई क्या होगा? आई डिस्क का हो जाएगा 0। आई किसका बचेगा? 5 particle का। सबकी डिस्टेंस यहां से देखिए आप, mr2। पार्टिकल के लिए फॉर पॉइंट मास, पॉइंट मास हो अगर, पॉइंट मास माने बॉडी का मास 0, मतलब साइज 0 है, बहुत ही पॉइंट मास। ओके, पॉइंट मास के लिए पॉइंट मास आई क्या होता है? mr2। एम क्या है? पार्टिकल का मास। आर क्या है? एक्सिस से दूरी। तो फॉर वन पार्टिकल, एक पार्टिकल के लिए क्या होगा? फॉर वन पार्टिकल, एक पार्टिकल का आई हो जाएगा mr2। एम कितना है? 2। डिस्टेंस कितनी है? 0.1 का होल स्क्वायर। 5 particles फॉर 5 particles, 5 के लिए क्या होगा? 5 मल्टीप्लाई कर दें, 5 × 2 × 0.1 का होल स्क्वायर, 10 × 10⁻², मतलब 10⁻¹, मतलब 0.1 kg। यूनिट क्या होगी? kg मीटर स्क्वायर, mr2। ये बात हो गई क्वेश्चन नंबर 44 के बच्चों। हो गए क्वेश्चन 45 आते हैं। दो डिस्क हैं, हम लिख देते हैं डिस्क नंबर 1, डिस्क नंबर 2। जब दो बॉडी की बात है ऐसे लिखा करो आप। मटेरियल सेम है तो डेंसिटी सेम होगी, सेम डेंसिटी होगी। मोटाई भी सेम है, सेम थिकनेस। रेडियस कितनी है? 0.2 meter रेडियस इसकी है और 0.6 meter इसकी है। अब डिस्क आप जानते हैं, डिस्क क्या होता है? डिस्क mr2/2 किसके अबाउट होता है? जिसे मान लीजिए 5 10 रुपए सिक्का है, ये कहलाएगा डिस्क, ये डिस्क होगा। तो बॉडी को हम लिख रखते हैं xy प्लेन में, तो cm से गुजरने वाली एक्सिस इसके अलॉन्ग होगा mr2/2 डिस्क का। याद रखिए, जब कुछ ना बताया जाए तो यही एक्सिस होती है जो cm से गुजरती है और डिस्क के प्लेन के परपेंडिकुलर होती है। तो ये मान लीजिए इसका i1 है, इसका i2 है। तो हमें क्या निकालना है? i1/i2 निकालना है। ठीक, अब देखिए i के लिए क्या चाहिए? ये क्या होगा? m1 r1 square by 2 डिवाइडेड बाई m2 r2 square by 2 होगा। दोनों का मास अलग अलग होगा, रेडियस भी अलग अलग, टोटल मिलाकर के आपका आएगा m1/m2 × r1 square / r2 square। मास की व्यवस्था कैसे हो? देखिए मास, डिस्क का मास कैसे निकालेंगे? वॉल्यूम टू डेंसिटी। वॉल्यूम कैसे निकलेगा? सिलेंडर का वॉल्यूम जानते हो आप लोग, डिस्क सिलेंडर फर्क क्या है? देखिए ये मान लीजिए ये आपका सिलेंडर होगा, इसको कहेंगे सिलेंडर, ये कहलाएगा सिलेंडर, ये मान लीजिए सॉलिड सिलेंडर। ओके, ये सॉलिड सिलेंडर है, ये सिलेंडर हो गया। वॉल्यूम क्या होता है? πr²h। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर का वॉल्यूम होता है πr²h और डिस्क का वॉल्यूम क्या होगा? एरिया πr², उसको कहेंगे मोटाई। इसको कट कर लें हम लोग, ऐसे कट कर देते हैं तो डिस्क बन जाएगी। सिलेंडर कट कर देंगे तो डिस्क बन जाएगी। तो वॉल्यूम ऑफ डिस्क क्या होगा? वॉल्यूम ऑफ डिस्क
ये होगा पाई आर स्क्वायर इंटू टी। तो मास क्या होगा, मास मास ऑफ डिस्क पाई आर स्क्वायर इंटू टी इंटू रो हो जाएगा। अब देखिए ये सब कांस्टेंट हैं, ये आर बदल रहा है, बाकी टी रो सबको दोनों के बराबर है। तो मास किसके प्रोपोर्शनल हो गया, मास हो गया प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर हो गया ये। तो हम यहां क्या करें, हम लोग एम वन अपन एम टू कितना हो जाएगा, एम वन अपन एम टू हो जाएगा, क्योंकि मास प्रोपोर्शनल टू रेडियस के स्क्वायर। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, आर वन अपन आर टू का होल स्क्वायर हो जाएगा। ऐसे यहां पे वैल्यू रख दें हम लोग, आर वन अपन आर टू का होल स्क्वायर, और एक ये पहले से यहां थे आर वन अपन आर टू का होल स्क्वायर, ये भी है, तो हो जाएगा आर वन अपन आर टू का होल फोर। आर वन कितना है, पॉइंट टू, पॉइंट टू डिवाइडेड बाई पॉइंट सिक्स का होल फोर, ये एक बटे तीन आएगा, पावर फोर हो जाएगा, नाइन इंटू नाइन वन एट पान एट्टी वन हो जाएगा, ये होगा वन अपान एट्टी वन, ठीक है, ये आ जाएगा। तो ऐसे हम लोग निकालते हैं मास, मास में दिया नहीं है तो ऐसे निकाला जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन 46 बच्चों, क्वेश्चन नंबर 46। देखिए स्फीयर माने सॉलिड, जब कुछ ना बताया जाए का मतलब होता है सॉलिड स्फीयर। सॉलिड का डायमीटर के अबाउट आई कितना होता है, आई डायमीटर होता है 2/5 एम आर स्क्वायर। टेंजेंट के अबाउट आई निकालना है, तो ये आपका हो गया एम आर स्क्वायर, इधर ये हो गया, इसके अबाउट हो गया एम आर स्क्वायर बाई फाइव, 2/5 मतलब, ठीक है, 2/5 एम आर स्क्वायर इसके अबाउट हो गया। और टेंजेंट क्या होगी, ये टेंजेंट हो जाएगी, ये हमारी टेंजेंट होगी। तो क्या करेंगे, दोनों में सेंटर मास कहाँ होगा, यहाँ पे होगा। पैरेलेक्सिस हम लगा दें, हम लोग लगा देंगे बाई पैरेलेक्सिस थ्योरम, पैरेलल का सिंबल एक्सिस थ्योरम। तो ये निकाला आई, किसके अबाउट निकाला, टेंजेंट के अबाउट। देखिए इसमें एक ही टाइप टेंजेंट होगी, सब टेंजेंट एक जैसी होगी, क्या होगा आई डायमीटर के अबाउट आई, प्लस दूरी कितनी होगी रेडियस के बराबर, प्लस एम इंटू आर का होल स्क्वायर। एम एक्चुअली कैपिटल लिखा है तो कैपिटल ही यहां लिखे, ओके, ये होगा 2/5 एम आर स्क्वायर प्लस एम आर स्क्वायर, तो 7/5 हो जाएगा। बाद में वैल्यू रख दें हम लोग उठा करके, वैल्यू एकदम लास्ट में रखनी चाहिए, पहले नहीं, ओके। तो 7/5 एम मतलब 10.5 का स्क्वायर, फाइव का स्क्वायर किया 2 हो जाएगा, ठीक है, 7 × 2.5 होगा तो आपका होगा 3.5 केजी मीटर स्क्वायर। 7 का आधा 0.5 में आधा 3.5 हो गया। क्वेश्चन 46 को बच्चे, ओके, क्वेश्चन 47 देखिए। हाँ क्या करें, डिस्क को बनाया गया, आयरन एल्यूमिनियम दोनों उसमें मटेरियल हैं, आयरन और एल्यूमिनियम। तो कह रहे हैं मैक्सिमम क्या चाहते हैं, आई मैक्सिमम चाहते हैं, मोमेंट इनर्शिया मैक्सिमम हो। अब डेंसिटी देखिए, डेंसिटी जो होगी, डेंसिटी ऑफ आयरन ज्यादा होगी किससे, एल्यूमिनियम से, आयरन भारी होता है, तो डेंसिटी ऑफ आयरन ग्रेटर देन डेंसिटी ऑफ एल्यूमिनियम, डेंसिटी आयरन की ज़्यादा होती है एल्यूमिनियम से, ठीक है। और देखिए आई कब ज़्यादा होगा, जब भारी वाली चीज एक्सिस से ज़्यादा दूरी पे होगा, तो क्या होगा, आई मैक्सिमम के लिए ज़रूरी है कि अंदर साइड अगर एल्यूमिनियम रखा जाए, अब भारी वाला जो मैटर है वो आयरन को बाहर रखा जाए,
यहाँ पे हो आयरन बाहर एक्सिस, क्योंकि ये एक्सिस है, एक्सिस से ज़्यादा दूरी पर भारी चीज़ होगी तो आयु उतना ही ज़्यादा होगा, बस यही बताना है, ठीक है ना। एल्युमिनियम अंदर हो और आयरन हो बाहर, बाहर साइड एक्सटीरियर मतलब बाहर होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 48 बच्चों, अगला क्वेश्चन। मोमेंट इनर्शिया किसकी वैल्यू किस पर डिपेंड करती है? डिस्ट्रीब्यूशन पार्टिकल की लोकेशन क्या है उस पर डिपेंड करेगी, मास पर भी डिपेंड करती है, और पोजीशन एक्सिस की पोजीशन क्या उस पर डिपेंड करेगी। तो एक्चुअली ऑल ऑफ दिस पर डिपेंड करेगी, जितने ऑप्शन दे रखे हैं। 49 क्वेश्चन, 49 क्वेश्चन में देखिए लीनियर मोशन में, लीनियर मोशन की बात करें और रोटेटरी मोशन बात करें, रोटेटरी मोशन की बात करें अगर, तो मास का जो रोल इसमें होगा वही रोल इसमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया का होता है। ऐसे फार्मूले बनते हैं कैसे, एफ बराबर एम ए, आप देखो इसमें होगा, इसमें टाऊ बराबर क्या होगा, आई एल्फा होगा, आप देख रहे हो टाऊ बराबर आई एल्फा, इसका रोल यहाँ ये एक, इनका दोनों का रोल एक जैसा है, इनका रोल एक जैसा है और इनका रोल एक जैसा है। क्वेश्चन नंबर 50 आए, एक रिंग है, एक रिंग है और एक है डिस्क, मास दोनों के सेम है और रेडियस भी सेम है, ठीक है। तो अब ये क्या बताना, किस एक्सिस पर बताना है, वही नॉर्मल एक्सिस, मतलब कौन सी एक्सिस, सी एम से पास करे और प्लेन के परपेंडिकुलर हो, आप समझ लीजिए ये बॉडी है, ये हमारी डिस्क है, ओके, ये डिस्क है तो इसके अबाउट आई निकालना है, तो डिस्क का क्या होता है, क्या होता है, इसके अबाउट एम आर स्क्वायर बाई टू, और रिंग क्या होता है, एम आर स्क्वायर होता है, इसका क्या होगा, ये होगा एम आर स्क्वायर, मास सेम है, इसका क्या होगा एम आर स्क्वायर बाई टू, इसको हम नाम दे आई वन, ये हो गया हमारा आई टू, तो आई वन पान आई टू कितना होगा एम आर स्क्वायर बाई वन अपान एम आर स्क्वायर बाई टू, टू चला जाएगा ऊपर, ये टू बाई वन हो जाएगा, टू इज टू वन, ठीक बच्चों। ऐसे देखिए पूरे क्वेश्चन हो गए, फिर भी आपको कोई डाउट कंफ्यूजन है किसी आंसर या किसी के बारे में या क्वेश्चन के बारे में तो आप हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, इसकी जिम्मेदारी मेरी होगी, ओके, वही कोचिंग में आके मिल लें या फ़ोन से मिल लें, अच्छा रहेगा कोचिंग में आकर के, आप फिजिक्स आमने सामने समझ में आती है, ओके, फ़ोन से समझ में नहीं आती, ये मेरा मोबाइल नंबर है, कॉन्टेक्ट करके आ जाएं आई एंड आई में, ओके, ठीक है, डाउट होना नहीं चाहिए, फिर भी आपको है तो आप उनसे संपर्क कर सकते हैं, ठीक।